गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो लास्ट टाइम मैंने आपको 234A कराया था। 234A में था इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ ROI। सेक्शन लगता है अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट की बात फाइल की है या फिर रिटर्न फाइल ही नहीं की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1% पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड फुल मंथ, पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट नेक्स्ट टू द ड्यू डेट एंड एंड्स ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI, जहां रिटर्न फाइल किया आप, और जहां रिटर्न नहीं फाइल किया आपने, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। ठीक, और क्या था हमारा, हाँ, पार्ट ऑफ द मंथ इज फुल मंथ। अमाउंट होता है जो टैक्स 143(1) में निकाला गया या फिर टैक्स निकाला गया अंडर 143(3), 144, 147, 153, तो अब डिलीट हो गया है। लेस रिबेट्स रिलीफ्स अंडर सेक्शन 89, 90, 91, लेस मैट क्रेडिट AMT क्रेडिट, लेस TDS, TSES, लेस एडवांस टैक्स, क्योंकि ये टैक्सेस सारे सरकार को मिल गए प्रीवियस ईयर में। लेस सेल्फ असेसमेंट टैक्स कम करेंगे इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ये बात लॉ में नहीं लिखी हुई, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म की इन द केस ऑफ डॉक्टर प्रणॉय रॉय, और इस जजमेंट को बाद में CBDT ने अफर्म कर दिया। अब आप इधर देखेंगे आप 234B इज इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इंस्टॉलमेंट्स डेफर करने के लिए नहीं है ये। अगर इंस्टॉलमेंट्स डेफर करेंगे तो 234C होता है। ये देखता है कि पूरे साल में आपने सही एडवांस टैक्स पे किया या नहीं। सो 234B इज इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मैंने बताया था एडवांस टैक्स 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो भी पे करेंगे उसे एडवांस टैक्स माना जाएगा। वो कंसेप्ट यहां यूज होता है। लॉ कहता है कि 234B तब अट्रैक्ट होगा अगर एडवांस टैक्स जो आपने पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। सो लॉ मेकर्स आपको 10% की एस्टिमेशन एरर की वो दे रहे बेनिफिट कि 10% तो गलती हो ही सकती है आपसे एस्टिमेट करने में। बट देखिए पूरे साल में जो आपने एडवांस टैक्स पे किया इफ दैट इज लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स देन द सेक्शन इज अट्रैक्टेड। यानी अगर आपने 90% पे कर दिया सेक्शन नहीं लगेगा। सपोज मेरा एडवांस टैक्स है 100 करोड़, मैं 90 करोड़ 31 मार्च 21 को पे करता हूं एक ही दिन, तो क्या 234B लगेगा? नहीं लगेगा, सी लग जाएगा डेफरमेंट के लिए। बट 234B में हम बात करते हैं किसकी, पूरे साल की एडवांस टैक्स। चाहे आपने 31 मार्च को पे कर दिया है हम उसे एडवांस टैक्स ही मानेंगे। नाउ यू कैन अप्रिशिएट एट लाइन वी डिड इन लास्ट लेक्चर कि एनी अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अप टू 31 मार्च इज ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स फॉर ऑल पर्पसेस। मैंने वाले कहा था डेट इज 234B, ये 234B है। तो 31 मार्च को भी अगर आपने 90% पे कर दिया तो 234B नहीं लगेगा। ठीक, एक फनी जजमेंट आ गई।
एक असेसी ने कुछ भी नहीं पे किया एडवांस टैक्स, एक असेसी ने कुछ भी नहीं पे किया, एओ ने 234B लगा दिया, असेसी कोर्ट में पहुंच गया कि 234B लगा नहीं सकते आप, बिकॉज सेक्शन कहता है कि एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 90%। असेसी कहता है सेक्शन तो तब लगता है जब आपने एडवांस टैक्स पे किया हो और लेस देन 90% है। कोर्ट कहता है यस यस यू आर करेक्ट, और इमीडिएटली इन्होंने अमेंडमेंट मूव की रेट्रोस्पेक्टिवली कि सेक्शन विल ऑल्सो बी अट्रैक्टेड वेयर एडवांस टैक्स इज नॉट पेड बाय द असेसी। अब आप कुछ रटेंगे नहीं, कुछ रटेंगे नहीं, गलतियां करते रहिए, सीखते रहिए। असेस टैक्स का मतलब क्या होता है मैं हेल्प करता हूं। सेक्शन इज अट्रैक्टेड इफ द एडवांस टैक्स पेड बाय द असेसी इज लेस देन 90% असेस टैक्स। असेस टैक्स का मतलब होता है, लॉ कहता है जो टैक्स डिटरमिन हुआ अंडर सेक्शन 143(1), 143(3), 144, 147, 153A लेस, रिलीफ्स कम कर दीजिए सारे, लेस मैट क्रेडिट वगैरह कम कर दीजिए आप, लेस 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 TDS कम करूं या नहीं, एडवांस टैक्स कम करूं या नहीं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कम करूं या नहीं, ट्राई करते हैं। एडवांस टैक्स कम होना चाहिए या नहीं करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। ये मेरा 100,00,000 है, ठीक, रिलीफ 10, टीडीएस 10, मैंने एडवांस टैक्स 40 पे कर दिया, लेस कर लेते हैं, कर लेते हैं लेस, कितना आ गया 640 आ गया ना। सेक्शन अट्रैक्ट होता है, सो दिस इज असेस टैक्स, इसका 90% निकालिए 36 लैक्स, यानी अगर 36 लैक्स एडवांस टैक्स पे कर देते तो 234B नहीं लगता, सही लग रहा है आपको ये? आपने एडवांस टैक्स 40 लाख ही पे किया है, लेस करूं या नहीं, 50 कर दे तो लीजिए, चलिए 40 भी करता हूं, तो यानी 234B नहीं लगेगा बिकॉज असेस टैक्स आ गया 100 - 20 - 40 का 90%, 36 लैक्स, मैंने तो ज्यादा पे किया हुआ है। पर आपको ठीक लग रहा है कि एडवांस टैक्स सही पे हुआ है? नो, बताइए क्या कम करूं, एडवांस टैक्स कम करूं या नहीं? नहीं होगा ना, करके दिखाए तो सही आपको। आप क्या कंपेयर कर रहे हैं, व्हाट हैज बीन पेड विद व्हाट शुड हैव बीन पेड, व्हाट हैज बीन पेड विद व्हाट शुड हैव बीन पेड, पहली गलती कर गए आप। आपसे कहा था ना जब एडवांस टैक्स निकालते हैं हम तो क्या लेस करते हैं, टीडीएससी से लेस करते हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर कि जो पे किया और जो पे होना चाहिए था, एडवांस टैक्स पेड इफ इट इज लेस देन 90% असेस टैक्स, असेस टैक्स मतलब जो पे होना चाहिए था, सही सही एडवांस टैक्स क्या होता है, जो एओ ने टैक्स निकाला, लेस रिबेट्स रिलीफ, लेस टीडीएस ओनली। एडवांस टैक्स कम करेंगे तो उल्टे सीधे रिजल्ट आ जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो यहां हम सिर्फ टीडीएस टीसीएस कम करेंगे, ना तो एडवांस टैक्स कम करेंगे, ना ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स कम करेंगे। यू आर कंपेयरिंग द टू कंपेरेबल्स, व्हाट हैज बीन पेड विद व्हाट शुड हैव बीन पेड, क्लियर?
इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स चार्जेबिलिटी. इंटरेस्ट इज पेबल इफ एडवांस टैक्स पेड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अगर 31 मार्च को भी पे किया यहां पर आ जाएगा, इज लेस देन 90% ऑफ द असेस टैक्स और नो एडवांस टैक्स इज पेड बाय द असेसी. वेयर असेस टैक्स मीन्स द टैक्स डिटरमिन अंडर 143(1) और ऑन असेसमेंट लेस रिलीफ्स लेस एएमटी मैच क्रेडिट लेस टीडीएस ओनली. यहां एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स कम नहीं करेंगे बिकॉज यू आर कंपेयरिंग द टू कंपेरेबल्स. ठीक, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे कुछ नहीं देखेंगे आप. प्रीवियस ईयर March 31, 2021. मेरा करेक्ट टैक्स बनता है 100 लाख. ठीक, टीडीएस है मेरा 10 लाख. मैंने एडवांस टैक्स पे किया 31 मार्च 21 को 20 लाख. सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं? 90% किसका चेक करेंगे? अमाउंट बोलिए ना. 100 माइनस 10 90 लाख का. 90 का 90% हो गया 81 लाख. कम पे किया सेक्शन लग जाएगा. अजम्पशन चेंज नहीं करेंगे अभी आप. एज्यूम नो टैक्स पेड आफ्टर 31 मार्च 2021. इस अजम्पशन को चेंज करने की कोशिश मत करिएगा. इस अजम्पशन को चेंज करने की कोशिश मत करिएगा. ठीक, एज्यूम नो टैक्स पेड आफ्टर 31 मार्च 2021. ना तो आपने 140 में पे किया, रिटर्न फाइल करते हुए भी पे नहीं किया, आपकी 143(1) आई उसमें भी नहीं पे किया आपने. इस अजम्पशन को चेंज नहीं करेंगे आप. आपकी 143(3) असेसमेंट होती है 30 जून 2022 को. ठीक, कहीं भी दिक्कत हो मुझे 10 बार रोकिएगा. कहीं भी दिक्कत हो मुझे 10 बार रोकिएगा. आज मैं आपको एलिमेंट्री कंसेप्ट्स करा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में एक्सपर्ट लेवल पे ले जाऊंगा. अब बताइए 234(b) का इंटरेस्ट कब से लगना चाहिए? सरकार को अगर 31 मार्च तक पैसा मिल जाता, ब्याज नहीं लगाते आपके ऊपर? नहीं मिला, इसलिए ब्याज लगाएगी सरकार आपके ऊपर कब से? 1 अप्रैल से. कब तक लगाएगी? जब तक एओ असेसमेंट करेगा. एओ असेसमेंट करके डिमांड निकालेगा, टैक्स की डिमांड, और हम मान रहे हैं सही टैक्स 100 है, 100 एओ ने भी 100 निकाला, मान लेते हैं 100 एओ ने भी 100 ही निकाला. असेसमेंट कंप्लीट हुई 30 जून 2022 को. अब इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम 1 अप्रैल बोलते जाइए
2021 से लेकर 30 जून 2022 तक हम तो ये कह रहे हैं हमने रिटर्न फाइलिंग वाले दिन का इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इंटरेस्ट तो ईओ निकाल रहा है। मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले आपका दिमाग सेटअप किया था, ये इंटरेस्ट एज असेसिंग ऑफिसर निकाल रहे हैं आप, एज असेसिंग हमने बात नहीं किया अभी, आप तो असेसिंग ऑफिसर की तरह इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ये। तो जिस दिन 143(3) के असेसमेंट कंप्लीट करेंगे उस दिन तक का ब्याज लगाएंगे आप, समझ में आ रहा है? रेट 1% पर मंथ, ये पीरियड हो गया, रेट हो गया 1% पर मंथ, अमाउंट वैसे बोलिए दिस माइनस दिस 100 माइनस टीडीएस, एडवांस टैक्स कम करूं या नहीं, लॉजिक बताइए क्यों कम करेंगे? जो सरकार को पैसा मिल गया उस पर ब्याज थोड़ी चार्ज करेगी, एडवांस टैक्स कम कर दूंगा। अगर मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होता उसे कम करता या नहीं, मैं तो अजम्पशन ली हुई है कि 31 मार्च के बाद कोई टैक्स नहीं पे हुआ अंडर 140 और अदरवाइज, ये क्लियर है आपको? सो इंटरेस्ट लगेगा 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से लेकर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय द एओ, 1% पर मंथ, जो टैक्स एओ ने निकाला, लेस रिबेट्स रिलीव्स, लेस टीडीएस, लेस एडवांस टैक्स। क्लियर? थोड़े से फैक्ट्स चेंज करता हूं, सेम क्वेश्चन अजम्पशन चेंज करता हूं टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 140 और अदरवाइज, टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 140 और अदरवाइज, सेम क्वेश्चन सिर्फ एक फैक्ट ऐड कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, 140A में 31/8/2021 को असेसी ने 25 लाख जमा कर दिया था, बाकी सब कुछ से अब आप क्या करेंगे? बीच में सरकार को पैसा मिल गया उसका क्रेडिट दे देंगे, इस पीरियड को दो पार्ट्स में बांटूंगा, फर्स्ट अप्रैल 21 से लेकर 31/8/21, फर्स्ट सितंबर 21 से लेकर डेट ऑफ असेसमेंट 30 जून 22, अमाउंट दिस माइनस दिस बोलते जाइए, 100 माइनस टीडीएस माइनस एडवांस टैक्स, बस टैक्स डिटर्मिन बताइए, टीडीएस एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स। समझ में आ रहा है आपको कब हम टीडीएस कम करते हैं, कब एडवांस टैक्स कम करते हैं, कब एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स सब कम करते हैं हम? ठीक, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूं,
140 ए में एसएससी ने 31-8-21 को 25 लाख पे किया, 143-1 में एसएससी ने 31 दिसंबर 21 को 15 लाख और पे कर दिया, ऑल फैक्ट्स रिमेनिंग द सेम, ऑल फैक्ट्स रिमेनिंग द सेम। इंटरेस्ट तीन पार्ट्स में हो जाएगा, 1 अप्रैल 21 से लेकर 31-8-21, 1-9-21 से लेकर 31 दिसंबर 21, 1 जनवरी 22 से लेकर डेट ऑफ असेसमेंट तक अमाउंट 100 माइनस TDS माइनस एडवांस टैक्स, 100 माइनस TDS माइनस एडवांस टैक्स माइनस सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स डिटरमिन्ड बाय द AO माइनस TDS माइनस एडवांस टैक्स माइनस सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस टैक्स पे नंबर 143-1। दोबारा से कर लेते हैं, एज्यूम मैंने बताया था आपको ये लॉ, एक सीबीडीटी चेयरमैन थे एन रंगाचारी, जो बाद में IRDA के चेयरमैन बने, वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड वॉज राइट हैंड मैन ऑफ मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, और उन्होंने ये लॉ बनाया था। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, बेयर एक्ट भी ऐसे ही बना हुआ है, चेक कर लीजिएगा, बेयर एक्ट बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। सो आपने कभी ऐसी फ्रेमिंग नहीं देखी होगी कि लॉ मेकर्स एज्यूम करिए देन डोंट एज्यूम, इस तरह लॉ बना रहे हैं, बट ही फ्रेम दिस लॉ लाइक दिस, फॉलोड बाय 6 इलस्ट्रेशंस थ्रू अ सर्कुलर, जो आज करेंगे हम, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Assume no tax has been paid after 31st March of the previous year. ना तो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, ना ही आपने 141 की इंटीमेशन पे की, प्रीवियस ईयर 21 मेरा सही टैक्स बनता है 100 लाख, TDS 10 लाख, एडवांस टैक्स मैंने पे किया था 20 लाख, 1433 हुई मेरी 30 जून 22 को। सो अब इंटरेस्ट लगेगा 1 अप्रैल 21 से लेकर डेट ऑफ असेसमेंट तक ऑन 1% ऑन टैक्स डिटरमिन बाय द AO माइनस TDS माइनस एडवांस टैक्स। अजम्पशन चेंज करते हैं, टैक्स पे किया है आपने, सपोज आपने 140A में 31-8-21 को 25 लाख पे कर दिया होता, सिंस 31-8-21 को 25 लाख गवर्नमेंट को मिल गया, गवर्नमेंट ब्याज चार्ज करना बंद कर देगी उस पर। अब इस पीरियड को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, 1 अप्रैल 21 से लेकर डेट ऑफ असेसमेंट तक जो मेरा पीरियड है उसे ब्रेक किया मैंने, 1 अप्रैल 21 से लेकर डेट ऑफ पेमेंट अंडर 140 है, डेट नेक्स्ट टू पेमेंट अंडर 140 है से लेकर डेट ऑफ असेसमेंट तक 1% 1%, 100 टैक्स डिटरमिन विद AO TDS एडवांस टैक्स, 100 टैक्स डिटरमिन विद AO TDS एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये दोनों ब्याज ऐड कर देंगे, ये मेरा ब्याज बन गया। थोड़ी सी अजम्पशन और बढ़ा लेते हैं, 140A में 31-8-21 को पूरे 25 लाख, उसके बाद 143-1 इंटीमेशन आई तब असेसमेंट ने 15 लाख पे कर दिया, अब असेसमेंट हुई 30 जून 2022 को, 1-4-21 से 30-6-22 के पीरियड को हम तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, टिल द डेट ऑफ फर्स्ट पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट अंडर 140 से नेक्स्ट डेट से लेकर डेट ऑफ 143-1 की जो पेमेंट किया आपने, नेक्स्ट पेमेंट से नेक्स्ट डेट से लेकर डेट ऑफ 143-3 असेसमेंट, इधर 100 माइनस TDS माइनस एडवांस टैक्स, 100 TDS एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स, 100
TDS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड 143 में जो पे किया आपने, इन तीनों को ऐड कर देंगे। अभी आधे घंटे थ्योरेटिकली समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल्स में आ जाएंगे। आधे घंटे थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल्स। क्लियर है थ्योरी? एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है और एग्जामिनर करा के छोड़ता है एमसीक्यूज में आपसे, 90% सिर्फ लगाएंगे आप ये देखने के लिए कि सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है फिर 90% को भूल जाइएगा, 90% कहीं आपकी कंप्यूटेशन में नहीं आएगा। और एमसीक्यू में मालूम है एग्जामिनर को बच्चा 90% दिमाग में लगा के बैठा हुआ है, तो एक आंसर वो 90% के हिसाब से निकाल के देता आपको, और आपके तो मेरा आंसर मिल गया। सो प्लीज 90% ऑफ असेस टेस्ट देखेंगे हम ओनली टू सी वेदर सेक्शन इज अट्रैक्टेड और नॉट। एक बार सेक्शन अट्रैक्ट हो गया, फॉरगेट अबाउट 90%। क्लियर? सेक्शन अट्रैक्ट होता है अगर एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चाहे 31 मार्च को पे किया हो आपने, इज लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स, या एडवांस टैक्स नहीं पे किया। असेस टैक्स मीन्स जो टैक्स ए ने निकाला लेस, कहां तक लेस करेंगे हम? TDS। यू कंपेयरिंग द टू कंपेरेबल्स, व्हाट हैज बीन पेड विद व्हाट शुड हैव बीन पेड, कंप्यूटेशन। नेक्स्ट पेज देखिए, लॉ भी वैसे ही बना जैसे मैंने बताया आपको। एज्यूम वेयर नो टैक्स हैज बीन पेड आफ्टर 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 140 और अदरवाइज, व्हाट इज अदरवाइज? 143(1). अदरवाइज मीन्स 143(1). चलिए अब बिना देखे टेक्निकल लॉ बनाते हैं, बिना देखे टेक्निकल लॉ बनाते हैं। अजम्पशन ले रहे हैं नो टैक्सेस पेड आफ्टर 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, स्टार्ट करिए रेट 1% पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ, फुल मंथ, अमाउंट टैक्स डिटरमिन्ड बाय द एओ अंडर 143(1), 143(3) वगैरह, लेस रिलीफ्स, लेस मैच क्रेडिट वगैरह, लेस TDS, TCS, लेस एडवांस टैक्स हम करेंगे या नहीं करेंगे? पे हो गया सरकार को। अगर सपोज मेरा एडवांस टैक्स 100 लाख है, मैं 89 लाख पे कर देता हूं, तो 89 लाख लेस होना चाहिए, ठीक? पीरियड फर्स्ट अप्रैल ऑफ द असेसमेंट से शुरू होगा, क्योंकि सरकार को पैसे 31 मार्च को मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला तो अगले दिन से ब्याज चार्ज करेगी वो। सपोज मेरा केस सीपीसी में होके रह जाता है, मैंने बताया था अब तो 100% केसेस 143(1) में प्रोसेस होते हैं और फिर 3-4% केसेस स्क्रूटनी में लगते हैं, तो पहले तो मेरा सीपीसी वाला कंप्यूटर इंटरेस्ट निकालेगा। किस दिन तक निकालेगा? जिस दिन वो इंटीमेशन बनाएगा 143(1) की। बताइए ना प्लीज। सो इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट टिल द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143(1). मेरी 143(1) हो गई 31/12/2021 को, इस दिन तक ब्याज लगेगा। इसके बाद मेरा केस स्क्रूटनी में लग गया, स्क्रूटनी में लग गया 143(3) में, और स्क्रूटनी जाके कंप्लीट हुई 30/11/2022 को, और यहां मेरा 50 लाख टैक्स बढ़ा दिया गया। बताइए इंटरेस्ट अब कब तक लगेगा? टिल द डेट ऑफ असेसमेंट।
अगर 143(1) हुई तो 143(1) तक लगेगा, अगर 143(1) के बाद असेसमेंट हो रही है तो असेसमेंट तक लगेगा, 143(1) में तो सिस्टम लगाएगा सीपीसी बेंगलोर, और जब 143(3) होगी तो एओ लगाएगा। ठीक, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा शायद कि 143(1) में मुझे ब्याज लग गया, यहां भी ब्याज लग गया, क्रेडिट दे देंगे आपको, अगर यहां कुछ लग गया उसका क्रेडिट दे देंगे आपको। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, थियोरेटिकली समझ लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन। वेयर नो टैक्स हैज बीन पेड आफ्टर 31st March ऑफ द प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 140 अदरवाइज मींस 143(1) रेट इज 1% पर मंथ। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, पीरियड कमेंसेस फ्रॉम 1st April ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड एंड्स ऑन द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर 143(1) एंड जहां पर 143 हुई है, 144, 147, 153 है द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर दीज सेक्शंस। अपने दिमाग में 147, 153 के बारे में कुछ मत सोचिएगा, डू नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट 147, 153 अमाउंट। So part of the month is full month amount. Tax determined under 143(1) or on assessment under 143(3), 144, 147, 143 less reliefs, MAT credit, MT credit, TDS, TCS and advance tax. यहां मैंने self assessment tax क्यों नहीं कम किया? कम किया assumption है ऊपर, assumption है ऊपर, assumption change कर रहे हैं। अब ब्याज कब से कब तक लगेगा? टेक्निकली बोलिए 1st April से लेकर डेट ऑफ पेमेंट अंडर 140 है और अदरवाइज यहां इंग्लिश में बोल लीजिए, हिंदी में बोल लीजिए, कैसे बोल लीजिए, जिस दिन पेमेंट हुई 140A में उस दिन तक का, यहां पर पेमेंट से अगले दिन से लेकर दूसरी पेमेंट, दूसरी पेमेंट से नेक्स्ट डे से लेकर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी यस मत बोलिएगा। वेयर टैक्स हैज बीन पेड आफ्टर 31st March ऑफ द प्रीवियस ईयर अंडर 140 और अदरवाइज, व्हाट इज अदरवाइज 143(1). इंटरेस्ट शैल बी एग्रीगेट ऑफ, मेरे दो पार्ट में बांट दिया, देखिए 1% पर मंथ पीरियड कमेंसेस फ्रॉम 1st April ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड एंड्स ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर 140 अदरवाइज। नेक्स्ट पीरियड कमेंसेस फ्रॉम the date next following the date of payment of tax under 140 otherwise, एक मिनट, I'll come back to you. So पहला इंटरेस्ट लगेगा 1 April से लेकर डेट ऑफ पेमेंट तक जो आपने 140 में पेमेंट की, दूसरा पार्ट लगेगा डेट ऑफ पेमेंट से अगले दिन से लेकर कब तक, डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर 143(1) एंड जहां असेसमेंट हुई है द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट को दो भाग में बांट दिया, अगर पेमेंट्स दो होती तीन भाग में बांट देते। अमाउंट देखिए, टैक्स डिटरमिन्ड अंडर 143(1) असेसमेंट रिलीफ क्रेडिट वगैरह टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, दूसरे पार्ट में मैंने क्या कम कर दिया, टैक्स पेड अंडर 140 अदरवाइज पे कर दिया, लेस कर दिया। क्लियर है?
जश्न का क्वेश्चन है कि मैंने तो बड़ा सिंपल केस ले लिया, कि पेमेंट महीने के आखिरी दिन हुई, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। पेज 213 लिखिए, यहीं पर लिखिए, यहीं पर यहां लिखिए। April 1, 2021 और 140A में पेमेंट हुई होती 13 सितंबर 2021 को, ऐसे लिखिएगा। तो मैंने बताया जो बोर्ड का सर्कुलर है जहां 6 इलस्ट्रेशन दी हुई हैं, वहां उन्होंने ये पॉइंट भी कवर किया हुआ है। ये हो जाएगा 14/9/21 मान लीजिए असेसमेंट की डेट है 30/6/22। अब आप पीरियड काउंट कर लीजिए, यही लिखिए कितने महीने हो गए, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 मंथ्स लिख दीजिए, 6 मंथ्स। ये कितने हो गए, 10 महीने। फिंगर्स यूज कर लीजिए, आधा सितंबर है, पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ मानते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 महीने, यानी 16 महीने। पूरा पीरियड काउंट करके देखिए 15 महीने। बोर्ड का सर्कुलर कहता है क्या करिए आप, यहां पूरा महीना मान लीजिए इसे, नेक्स्ट में ये पार्ट ऑफ द मंथ इग्नोर कर दीजिए। बोर्ड का सर्कुलर कहता है यहां आपने पूरा महीना मान लिया सितंबर को, तो आप 14/9 से 30/9 इग्नोर कर दीजिए पीरियड, यानी इस पीरियड को कितना गिनेंगे आप, 9 मंथ्स, ऐसे लिख लीजिए। क्लियर हो गए? एक ही बात है, आप 1 तारीख को पे करें, 30 सितंबर को पे करें, बात सेम है। हाँ, लोग इसलिए 30 सितंबर को पे करते हैं। मैं आपको बताऊंगा आज क्लास के एंड में, मैं बता रहा था ना लास्ट टाइम इंफोसिस, रिलायंस वगैरह प्लानिंग करते हैं 10% की, वो आज क्लास के बाद बताऊंगा, एंड में बताऊंगा जब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो यस, यू शुड पे ऑन 30th September 17 डेज के लिए, पैसे को कहीं घुमा लीजिए, इंटरेस्ट अर्न कर लीजिए उस पर कहीं बार इन्वेस्ट करके। क्लियर? 234B खत्म हो गया आपका, 234B खत्म हो गया आपका, पता भी चला आपको। और देखिए 1 घंटा होने वाला हमारा, बट कुछ भी नहीं पता चला, पूरा सेक्शन हो गया। ओके, सो मैं सेक्शन 15 मिनट में भी करा सकता हूं, याद कर लीजिए, ये लेस, ये लेस, ये लेस, ये लेस, फिर लास्ट डे एग्जाम से यही करते रहिए, क्या लेस करना है, क्या लेस नहीं करा, फरे बनाते गए, मतलब पॉसिबल ही नहीं होता है। तो आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेडी रेकनर में ढूंढते हैं कि कहां पर क्या लेस करूं मैं। अब आप इधर देखिए 234C,
234 सी में खास बात यह है, 234 सी में खास बात यह है, जो एओ भी 234 सी का इंटरेस्ट निकालेगा वो रिटर्न्ड टैक्स पे निकालेगा। जबकि आपने देखा 234 ए भी किस पे निकलता है, असेस टैक्स पे निकलता है। सो 234 सी निकलता है ऑन रिटर्न टैक्स, टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। सो आप कह सकते हैं लॉ मेकर्स ने एक रिलैक्सेशन दी हुई है। सो 234 ए बी सी में फर्क यह है कि 234 ए बी जो एओ निकालता है वो निकालता है ऑन द टैक्स डिटरमिन्ड बाय हिम, जबकि 234 सी इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टैक्स, टैक्स ड्यू ऑन रिटर्निंग। सेक्शन नहीं देखेंगे आप, सेक्शन नहीं देखेंगे आप। सेक्शन अट्रैक्ट होगा आपका अगर एडवांस टैक्स जो आपने पे किया है 15th ऑफ जून तक, इट इज लेस देन व्हाट 15%। टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, लोगों ने सरकार से कहा कि प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है, जून तक सिर्फ 2.5 महीने होते हैं वर्किंग के हमारे, अप्रैल मई आधा जून। सो फ्रेंकली इट इज नॉट रियली पॉसिबल टू करेक्टली प्रिडिक्ट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। गवर्नमेंट सेड ओके, वी रिलैक्स इट 12%। ये सिर्फ 12% कर रहे हैं ये देखने के लिए सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर सेक्शन अट्रैक्ट हो गया तो 15% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला जाएगा आपका, सिर्फ 3% की छूट दी हुई है आपको रिलैक्सेशन। बट अगर 12% से 1 रुपया भी कम पे किया आपने, पूरे 15% में ब्याज निकलेगा आप। सेक्शन गेट अट्रैक्टेड इफ एडवांस टैक्स पेड अप टू 15th जून इज लेस देन 12% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। सेकेंड इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15th ऑफ सितंबर इज लेस देन 45%। सरकार ने कहा यहां भी रिलैक्सेशन दे देते हैं 36%, क्योंकि अभी आपका आधा साल पूरा नहीं हुआ है, वर्किंग 5.5 महीने की हुई है आपकी, रिलैक्सेशन दे दी 36% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। दिसंबर मार्च में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एडवांस टैक्स पेड बाय 15 दिसंबर इज लेस देन 75% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 मार्च इज लेस देन 100% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, या फिर एडवांसेस नहीं पे किया आपने। सेक्शन गेट्स अट्रैक्टेड इफ एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 जून इज लेस देन 12% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। सेक्शन गेट्स अट्रैक्टेड इफ द एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 सितंबर इज लेस देन 36% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। हमने पहले दो केस में लॉ रिलैक्स कर दिया है, 12% पे कर दिया इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर 11.99 पे किया ना तो 15% पे ब्याज देंगे आप। 36% 75% 100%। अब मुझे आप बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। देखेंगे नहीं, टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम मीन्स टैक्स एज पर ROI लेस रिलीफ्स लेस रिबेट AMT मेट क्रेडिट
और क्या क्या लेस करूं, TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, क्या क्या कम करूं? TDS, TCS, बट मेरे हिसाब तो हिसाब से तो एडवांस टैक्स भी कम होना चाहिए. गुड गुड रोहित, यहां एडवांस टैक्स कम नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, टू कंपेरेबल्स, वॉट हैज बीन पेड विद वॉट शुड हैव बीन पेड, एंड देयर फॉर टैक्स ड्यू रिटर्न इनकम मीन्स टैक्स एज पर ROI माइनस TDS, रिलीफ माइनस करने के बाद. क्लियर? पहला इंटरेस्ट निकलवाइए मुझसे. अगर 15 जून तक आपने कम पे किया, पूरे 3 महीने का ब्याज लगाएंगे हम आपको. आप चाहे 16 जून को पे कर देते, हम तो 3 महीने का ब्याज लगाएंगे. पहला ब्याज बोले क्या होगा, 15% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम माइनस क्या करूं, एडवांस टैक्स जो पे किया आपने अप टू 15 जून, 12% नहीं लूंगा मैं. अगर 12% पे कर देता तो ब्याज नहीं लगता, 12 से 1% भी पे कम पे किया 15% भी ब्याज लगेगा. इनटू 1% सीधे 3 महीने का ब्याज लगेगा. तो अगर आपके क्लाइंट ने 15 जून को एडवांस टैक्स नहीं पे किया या कम पे किया है, हम कहते हैं अब मत जमा कर, अब तो 15 सितंबर को करियो, क्योंकि 16 जून को भी करेगा 3 महीने का ब्याज लगेगा. तो देखिए लॉ बनाऊं मैं ऐसा, अगर मैं 16 जून को भी पे कर दूंगा ना, 1 दिन का डिले है, 3 महीने का ब्याज लगेगा आपको. इसलिए हम क्लाइंट को बोलते हैं कोई बात नहीं, 15 जून की इंस्टॉलमेंट मिस हो गई या फिर कम पे किया है, अभी मत पे कर, जून जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं पे करेंगे, 15 सितंबर को पे करेंगे. अभी क्या कर, इस पैसे की FD करा दे बैंक में, जुलाई अगस्त आधा जून आधा सितंबर, इसको तो ब्याज मिलेगा 3 महीने का. ठीक, हम ये ब्याज कहां तक लेके पहुंच गए, 15 जून से 15 सितंबर 3 महीने. अगर 15 सितंबर को 36% से कम पे हुआ है, 36% ऑफ टैक्स ऑन रिटर्न इनकम 45%, माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 सितंबर, 1% इंटू 3 मंथ्स, सीधा ब्याज 3 महीने का लगेगा. मैं कहां पहुंच गया, 15 सितंबर से 15 दिसंबर पहुंच गया. तीसरा ब्याज 75% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू 15th ऑफ दिसंबर इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स. ये ब्याज लग गया मुझे 15 मार्च तक लग गया. अगर 15 मार्च की इंस्टॉलमेंट भी कम पे की आपने, 100% ऑफ टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 मार्च इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, 1 महीने का लगेगा. क्योंकि 15 मार्च से 31 मार्च तक का ब्याज लगेगा, पार्ट ऑफ मंथ, फुल मंथ. उसके बाद क्या होगा, 234 भी चालू हो जाएगा. उसके बाद 234 भी चालू हो गया. क्लियर? पेज 211, इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट
इन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स चार्जेबिलिटी, जहां पर 44 ADA नहीं लगता, इंटरेस्ट इज पेबल इफ एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 जून इज लेस देन 12% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, एंड ओब्लिक और एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 सितंबर इज लेस देन 36% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, एंड ओब्लिक और एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 दिसंबर इज लेस देन 75% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, एंड ओब्लिक और एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 मार्च इज लेस देन 100% ऑफ एडवांस, सॉरी 100% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, या फिर एडवांस टैक्स नहीं पे किया आपने। जहां 44 ADA और ADA लगता है वहां क्या देखेंगे हम, कि 15 मार्च तक आपने 100% नहीं पे किया। टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम मीन्स टैक्स ऑन द इनकम डिक्लेयर्ड इन द ROI लेस रिलीफ ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन वेरियस सेक्शन लेस TDS TCS ओनली। You're comparing the two comparables. Computation. अगर 44 ADA नहीं लग रहा, पहला इंटरेस्ट सीधा 3 महीने 1% पर मंथ, सीधा 3 महीने 15% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 जून, दूसरा 1% 3 मंथ्स 45% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 सितंबर, तीसरा 75% 3 महीने का, और चौथा 1 महीने का। क्लियर है। चलिए मानते हैं टुडे इज 1 जनवरी 20, चलिए लेट्स से टुडे इज 1 जनवरी 21। आप मेरे ऑफिस में काम करते हैं, हमारा एक क्लाइंट है जिसकी ड्यू डेट थी 30 नवंबर 20, ठीक। इस क्लाइंट की का रिटर्न टैक्स बनता है 5 लाख, TDS है 1 लाख, एडवांस टैक्स पे किया था इसने, ये मेरा प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 को पी किया था इसने 75,000, ठीक। अभी तक जो मैंने आपका माइंड बना के रखा हुआ था, एओ का माइंड बना के रखा हुआ था, अभी तक मैं आपसे कह रहा था कि एओ की तरह इंटरेस्ट लगाएंगे आप, हमने जब पेज 23 पर 140A किया था, इधर देखिए प्लीज, सेल्फ असेसमेंट, वहां हमने कहा था कि असेसी टैक्स प्लस इंटरेस्ट अंडर 234ABC प्लस फीस अंडर 234F, ये सबको जमा करेगा रिटर्न फाइल करने से पहले, यानी एज एन असेसी नाउ, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ROI। सो एज एन असेसी यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट अंडर 234ABC एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ROI। आप मेरे आर्टिकल क्लर्क है, ये प्रीवियस है 20 का डेटा है मिस्टर क्लाइंट का,
मिस्टर क्लाइन की ड्यू डेट थी 30/11/20, आज है 1/1/21। रिटर्न टैक्स मैंने बना दिया, रिटर्न 5 लाख है, TDS है 1 लाख, एडवांस टैक्स जमा होता 31 मार्च 2020 को 75,000 ईरा चलान। आज क्लाइंट को फ़ोन करिए, क्लाइंट को फ़ोन करिए, उससे पेमेंट मंगाइए, कितनी पेमेंट मंगानी है ताकि 140A में पेमेंट कर सकें। याद रखिएगा, अगर 140 में कम पेमेंट करते हैं आप, अगर 140 में कम पेमेंट करते हैं असेसिन डिफॉल्ट बन जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ असेसिन डिफॉल्ट ना माने मेरे क्लाइंट। चलिए, आपको मालूम है टैक्स कितना मंगाऊंगा क्लाइंट से, 5 - 1 - 75। एक तो टैक्स मंगाएंगे कितना आप, 3.25। अब आप सेक्शन को अपनी आंखों के सामने रखते रहिए, 234A शुरू हो जाइए। आपने बेरेट खोल लिया है, मेरी क्लास में नहीं बैठे, आपने बेरेट खोला है, ये मानिए बेरेट ये रहा। डू यू नो द चार्जेबिलिटी इज अट्रैक्टेड और नॉट? डू यू नो टूडे इज 1/1/21 whether chargeability is attracted or not? Return is filed late. So you have no problem in determining the chargeability. Next page computation. Rate of interest is known to you? Yes. 1%. Period. The date of commencement of the default period is known to you? What is the date? Due date is next date. मेरे केस में 1st December? Yes, 1st December है ना? मैंने 30/11 ली हुई है, क्योंकि असेसमेंट या 2021 के लिए कोविड की वजह से ड्यू डेट 30/11 हो चुकी है। एक 12/2020 यानी कमेंसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है मालूम करने में आपको? पीरियड कब एंड हो रहा है मालूम है नहीं आपको? आज रिटर्न फाइल करेंगे, आज एंड होगा। कितने महीने हो गए? 2 महीने। 1 दिसंबर से 1 जनवरी केस। सो पीरियड में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, सो चार्जेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, रेट में कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट देखिए, क्या नहीं मालूम आपको? कोशिश करिए प्लीज, मैं इतना टाइम लगा रहा हूं। आपको ये बेयर एक्ट खोला है मैंने, बेयर एक्ट। मुझे ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम ना, बाकी तो सब मेरे हाथ में है, TDS, TCS, ये तो सब मुझे मालूम है। तो व्हाट इज नॉट नोन टू मी इज द टैक्स डिटरमिन्ड अंडर 143(1) और ऑन असेसमेंट अंडर 143(1), 143(3), 144, 144, 147, 143, ये नहीं मालूम। अगर मैं लॉ ये बना दूं कि 140A के लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करिए आप, इस सेक्शन में ये जो वर्ड्स हैं टैक्स डिटरमिन अंडर 143(1) और ऑन असेसमेंट अंडर 143(3) वगैरह, इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बाय विच वर्ड्स? सही सही बोलिए प्लीज, रटिए मत। जो टैक्स AO ने निकाला वो मुझे नहीं मालूम, उसकी जगह क्या ले लीजिए आप, जो टैक्स आपने निकाला, यानी टैक्स डिटरमिन अंडर 143(1), ये इस लाइन की जगह ले लीजिए टैक्स एस पर ROI, टैक्स ऑन द रिटर्न इनकम। एंड नाउ 140A में आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, पेज 214। पॉइंट 3 देखिए 234A में,
फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पेमेंट अंडर सेक्शन 148 सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स टैक्स डिटरमिन अंडर सेक्शन 143(1) और ऑन असेसमेंट अंडर 143(3), 144, 147, 153 बाय द वर्ड्स व्हाट टैक्स ऑन द इनकम डिक्लेयर्ड इन आरओआई। ठीक, आ जाइए मेरे ऑफिस में, ऑफिस निकालिए इस क्लाइंट का ब्याज, इस क्लाइंट का 234A निकाल के दीजिए मुझे। टैक्स तो इससे मांगेंगे 3.25, 234A 1% कितने महीने, मुझे मालूम है कल रिटर्न फाइल करूंगा मैं, 1 तारीख को मंगा रहा हूं पैसा, 2 तारीख को रिटर्न फाइल होगी, पूरे 2 महीने हो गए। अमाउंट टैक्स डिटरमिन बता ए की जगह ये ले लूंगा, लेस टीडीएस लेस एडवांस टैक्स 325 निकल गया ब्याज आपका रिटर्न फाइल करते वक्त। क्लियर, चलिए इस क्लाइंट के लिए आप 234B निकालते, बेयर एट सामने रखिए, अच्छा एक मिनट, ये जो मैंने इस क्लाइंट का 234A निकाला उसमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स कम करूंगा या नहीं, आपके सामने फैक्ट्स हैं। आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी आज फैक्ट्स यही है, आज सेल्फ असेसमेंट टैक्स 234A में कब कम करते हैं हम, डॉक्टर प्रणय रॉय इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यहां तो पे ही नहीं हुआ। 234B देखिए इस क्लाइंट का, चेक करिए 234B अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं, एडवांस टैक्स पेड 75,000 इज लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स, असेस टैक्स में क्या नहीं मालूम आपको, वो ही चीज नहीं मालूम, टैक्स डिटरमिन अंडर 143(1) और ऑन असेसमेंट नहीं मालूम, इसकी जगह क्या वर्ड्स ले लीजिए, टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम, यू नो द चार्जेबिलिटी, माई क्लाइंट व्हाट इज असेस टैक्स 4 लैक्स 90% 360 कितना पेड है, सेक्शन लग गया, आगे चलते हैं। रेट मालूम है, मालूम है, पीरियड फर्स्ट अप्रैल से लेकर डेट ऑफ असेसमेंट तक नहीं मालूम, सो कैन आई से ये जो वर्ड्स हैं डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर 143(1) एंड where assessment is made under 143, 144, 147, 158, the date of completion of such assessment in words को substitute कर दीजिए by what? Date of filing of ROI? ये जो words हैं, date of determination of income under 143(1) and जहां assessment हुई है, date of completion of assessment, in words की जगह डाल दीजिए date of filing of ROI, काम बन गया? अमाउंट क्या नहीं मालूम आपको, टैक्स डिटरमिन अंडर 143(1) और असेसमेंट नहीं मालूम, बनाइए सेक्शन 140A मतलब 234B बनाइए कि 140A के लिए क्या करिए आप, जो वर्ड्स हैं टैक्स डिटरमिन अंडर 143(1) और ऑन असेसमेंट की जगह ले लीजिए टैक्स एज पर रिटर्न इनकम, और डेट ऑफ 143(1) डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट की जगह क्या ले लीजिए
डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आर वाई, देख लीजिए यही तो है लॉ, पेज 214 एट द बॉटम। सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स टैक्स डिटरमिन अंडर 143(1) और ऑन असेसमेंट अंडर 143(3), 144, 147, 153 बाय द वर्ड्स टैक्स ऑन द इनकम डिक्लेयर्ड इन आर वाई। नेक्स्ट पेज, सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143(1) एंड वेयर असेसमेंट इज मेड अंडर 143(3), दिस इज द डेट ऑफ कंप्लीशन असेसमेंट बाय द वर्ड्स डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द आर वाई। मेरे को इस क्लाइंट में हेल्प कर दीजिए आप, मेरे को इस क्लाइंट में हेल्प कर दीजिए आप। आपने मेरा 234A निकाल दिया था, बी निकलवा दीजिए मुझसे। कब से लगाऊं भी आज, कब तक? 10 months, 325, ठीक, सॉरी एक ही बार, 1%, ठीक। अभी प्रैक्टिस करेंगे, अभी ब्रेक से पहले प्रैक्टिस करेंगे, आज आपकी ब्रेक चाहे एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब प्रैक्टिस करेंगे उठेंगे। 234C निकाली इस लाइन का, चार्जेबिलिटी अट्रैक्ट हो रही है या नहीं, चारों ब्याज लग रहे हैं, इसने इंस्टॉलमेंट कोई भी नहीं पे की, चारों ब्याज निकाल सकते हैं, या कोई सब्स्टिट्यूशन चाहिए आपको? हम 234C तो निकालते हैं रिटर्न टैक्स के बेस पे, वहां तो कोई सब्स्टिट्यूशन चाहिए नहीं मुझे, वो तो मैं निकाल सकता हूं ब्याज। सो 234C तो रिटर्न बेसिस पर होता है, सो आई डोंट रिक्वायर एनी सब्स्टिट्यूशन, आई कैन कंप्यूट द इंटरेस्ट अंडर 234C, और जो मैं निकालूंगा वही AO निकालेगा बाद में भी। पेज 214, से मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पेमेंट अंडर सेक्शन 140A, इंटरेस्ट अंडर 234C इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न इनकम एंड देयरफॉर नो नीड ऑफ एनी सब्स्टिट्यूशन। यहां तक क्लियर? पॉइंट फोर, इंटरेस्ट पेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिड्यूस बाय इंटरेस्ट इफ एनी पेड अंडर 140 और अदरवाइज, व्हाट इज अदरवाइज, 143(1), अदरवाइज मीन्स 143(1), लिख लीजिए, अदरवाइज मीन्स 143(1). तो जो आपने 140A में पे किया या 143(1) में पे किया उसे लेस कर देंगे जो A ने निकाला उसमें से। ये देखिए 234BC में रिपीटेड है, यही लाइन 234BC में रिपीटेड है। पॉइंट 5 और 5A गलती से भी मत पढ़िएगा, पॉइंट 5 और 5A गलती से भी मत पढ़िएगा, आपके पूरे कंसेप्ट हिल जाएंगे और लाइफ टाइम में सेक्शन समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई एम रिपीटिंग, 0.55A गलती से भी पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स बुरी तरह हिल जाएंगे। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में जब भी हम इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं तो टैक्स की फिगर को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ कर देते हैं।
पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, चाहे कोई भी ट्रस्ट हो, चाहे असेसिन डिफॉल्ट का इंटरेस्ट हो, चाहे रिफंड पर इंटरेस्ट हो, 244A जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, 234ABC का इंटरेस्ट हो, हर केस में टैक्स जिस पर हम इंटरेस्ट निकालते हैं उसको राउंड ऑफ कर देते हैं टू द नियरेस्ट 100। राउंड ऑफ करिए, ऐसे ही राउंडिंग ऑफ होती है। लॉ कहता है कि नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ कर दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ द 100 इग्नोर कर दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ द 100 इग्नोर कर दीजिए, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, पेज 216 पॉइंट 9 देखिएगा, फॉर कंप्यूटिंग इंटरेस्ट अंडर 234ABC एंड एनी अदर इंटरेस्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड एनी फ्रैक्शन ऑफ द 100 विल बी इग्नोर्ड। तो देखिए तीनों के इसमें राउंडिंग ऑफ 21100 की हमने, अच्छा हम जो लेते ना टैक्स डिटरमिन्ड बाय द एओ, उस टैक्स में इंटरेस्ट, सॉरी टैक्स डिटरमिन्ड अंडर 143(1) और ऑन असेसमेंट, सो उस टैक्स में क्या सरचार्ज एजुकेशन सेस ऐड होता है या नहीं होता है। तो पूरे एक्ट में जहां भी टैक्स लिखा हुआ है दैट इंक्लूड सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस, 0.7 में मैंने क्लैरिफाई किया हुआ है इसी पेज पर, पेज 216.7, फॉर कंप्यूटिंग इंटरेस्ट, टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तीनों में रिपीटेड है। आ चाहिए पेज 217 पर, इन इलस्ट्रेशंस को इसी सीक्वेंस में करिएगा, ये खुद बाय हिज ओन हैंड्स जो उस समय चेयरमैन थे रंगाचारी, उन्होंने ड्राफ्ट की थी, और ये 6 इलस्ट्रेशन करेंगे आप देखेंगे परफेक्टली ड्राफ्टेड परफेक्ट, आपको लॉ समझ में आ जाएगा। लेट अस नॉट सी द आंसर्स, लेट अस डू इट आवरसेल्फ्स। पहला बड़ा सिंपल केस लिया उन्होंने स्टेप बाय स्टेप। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है 31/7/21, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI है 1/11/21, टैक्स एज पर ROI 3 लाख, एडवांस टैक्स पे किया 21/3/21 को, TDS है 40,000, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है 10,000, कंप्यूट द पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर 140A, एज्यूमिंग पेमेंट इज मेड ऑन 1/11/21 ओनली। बड़ा सिंपल केस जो आपके ऑफिस में हर ड्यू डेट पे होता है, जब रिटर्न फाइल होती है, क्लाइंट का आप 234ABC निकालते हैं, आपको क्वेश्चन में यही कहा गया है कि क्लाइंट का 230 सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकाल दीजिए, जो पेमेंट करनी है क्लाइंट ने 140A में, इधर देखिएगा आंसर नहीं देखेंगे आप, क्लाइंट का टैक्स कितना है 3 लाख, रिलीफ कितना है 90 का, TDS TCS
एडवांस टैक्स कितना बना? सो इनकम टैक्स मंगाएंगे क्लाइंट से 50,000, मुझे पता नहीं, फीस कितनी लगेगी, क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग, गलतियां पे गलतियां करते जाइए, सुधारता रहूंगा आपको। जो मैं मॉड्यूल 3 तैयार कर रहा हूं उसमें मैंने जानबूझ के ऐसी चीजें डाली है कि आप गलती कर जाएंगे, जैसे बताऊंगा नहीं, नहीं तो फिर गलती नहीं करेंगे आप। सो मैंने कुछ ऐसी चीज डाली कि गलती कर जाएंगे आप, क्योंकि मेरे टाइपिस्ट ने गलती की, जब मैं उसे देखा तो मुझे याद आया कि स्टूडेंट ऐसी गलती कर सकता है, उसने टाइपिंग एरर की थी। आई टेल यू व्हाट, यहां 31 दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल हो रही है, फीस 5,000 रुपये लग सकती है। अगर टोटल इनकम 5,00,000 तक होती है तो 1,000 होती है, यहां तो टैक्स दिया वो आपको, यहां तो प्रिज्यूम भी करने की जरूरत नहीं है, इनकम 5,00,000 से ऊपर ही होगी। देयरफॉर 234 ए की कितनी फीस लगेगी? 5,000। 234 ए लग रहा है या नहीं? ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, बताइए। F, sorry. 234E मुझे इसलिए आता, मैंने आज ही TDS मॉड्यूल कंप्लीट किया है, तो उसमें फीस अंडर 234E के बड़े क्वेश्चंस थे, उसमें से ई मैंने लिख दिया। सो इस मॉड्यूल के बाद हम TDS करेंगे, अब विश्वास नहीं करेंगे, TDS में इस बार मॉड्यूल में 40 पेज ऐड हो गए हैं। मैं सोच रहा था कहां काटूं, मुझे मालूम था जहां काटूंगा वही एग्जाम में आएगा, तो TDS में मैसिव चेंजेस आए इस बार, नए सेक्शंस आ गए हैं, नई प्रोविजंस आ गई हैं, जिस वजह से हमारे TDS में लेक्चर्स बढ़ेंगे इस बार। अच्छा, 234A लग रहा है, नहीं रिटर्न लेट फाइल है, सेक्शन 1% पर मंथ, पीरियड वैसे बोलिए दिस टू दिस, 1st August 21 से लेकर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसको भी हम डिफॉल्ट डे मानते हैं, 8, 9, 10, 11 चार महीने। टैक्स डिटरमिन अंडर 143(1) की जगह क्या लूं? एस पर आरओआई लेस दिस दिस दिस, ये सब कुछ सेस लगा के दिए हुआ है टैक्स आपको, आराम से देखिए। मैं यहां से भी करा सकता हूं, एक एक मिनट में निकल जाएगा सारा, बट एम है दिमाग तक पहुंचना आपके। तो यहां मेरा है कितना, 50,000 में बनेगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्यों नहीं कम हो रहा? एक 11 को पे कर दूंगा, कम क्यों नहीं करेंगे? डॉक्टर प्रणवर हुआ, अगर ड्यू डेट तक कम पे हुआ तब लेस करते हैं। ये मेरा 234B निकल गया, 2,000 रुपया, 5×20 2,000, 234B सेक्शन लग रहा है या नहीं? असेस टैक्स, असेस टैक्स की जगह क्या ले लीजिए? दिस रिटर्निंग बेसिस ले लीजिए, उसमें से क्या क्या माइनस करेंगे? रिलीफ एंड टीडीएस टू कंपेरेबल्स,
कितना गया, 2.5 लाख, असेस टैक्सेस 2.5 लाख, उसका 90% कितना हुआ, 2,25,000 एडवांस टैक्स कम पे हुआ है, लग गया सेक्शन 1% इनटू पीरियड 1 अप्रैल 21 से लेकर डेट ऑफ असेसमेंट तक, डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, बीच में कोई पेमेंट नहीं हुई है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा मुझे, आठ महीने इनटू अमाउंट टैक्स डिटरमिन बताइयो, ये ले लूंगा लेस रिलीफ टीडीएस एडवांस टैक्स कम करूंगा या नहीं, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, लॉजिक क्लियर है, सरकार को पैसा मिल गया तो ब्याज को लगेगा, कितना लूं, 234C में इस तरह से मेरी आदत है कंप्यूट करने की, 1% 1% 1% 1%, अच्छा ये 90% नहीं करना चाहिए था मुझे, इनटू 90%, वो तो हम सिर्फ कंपेयरिंग के लिए करते हैं, एक बार 90% अट्रैक्ट, मतलब सेक्शन अट्रैक्ट हो गया, फॉरगेट अबाउट 90% इनटू 3 3 3 1 इनटू बोलते रहिए, 15% किसका लू, यहां 12% का चक्कर आएगा ही नहीं, पे ही नहीं हुआ कुछ भी, 15% किसका लू, टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, व्हाट हैज बीन पेड विद व्हाट शुड हैव बीन पेड, क्या लू, 3 लाख माइनस 10,000 माइनस 40,000 2.5 लाख का 25% 15% कितना हो गया, 37,500, 2.5 लाख का 45%, इसका 3 गुना कर दीजिए, 75% 1.5 लाख पेमेंट निल ब्याज निकल गया मेरा, अब मुझे 140 में कितना पे करना है, एक तो ये टैक्स 234F की फीस, 234A का ब्याज, 234B का ब्याज, 234C का ब्याज, अब आप क्लाइंट रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अब आप क्लाइंट रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्लियर, क्विकली नजर मार लीजिए आंसर पर, क्विकली आंसर पर नजर मार लीजिए, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट कैरी कर गया पूरा, तो मैंने कहा मेरे इस क्वेश्चन में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने बोर्ड के सर्कुलर से एज इट इज कॉपी मारे हुए हैं, डेट चेंज की हुई है, इलस्ट्रेशन 2 देखिएगा, असेसमेंट ईयर 21-22 ड्यू डेट है 31-7-21, रिटर्न फाइल की 17-12-21 को, टैक्स एज पर आरवाई आ रहा 4 लाख, टीडीएस आ रहा 45,000, रिलीफ अंडर सेक्शन 91 है 5,000, एडवांस टैक्स पे किया 3 डेट्स को,
अब प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हम। एओ ने रिटर्न प्रोसेस की 143(1) में, एओ नहीं करता, कौन करता? अब ये सीपीसी करती है। ऑन 20/22 और कोई डिमांड नहीं निकाली, यानी सही था, कोई डिमांड नहीं निकाली सीपीसी ने। असेसमेंट अंडर 143(3) हुई 30/22 को, वहां टैक्स 1,00,000 बढ़ाकर 5,00,000 निकाल दिया गया। आराम से करेंगे, हो जाएगा। कंप्यूट द इंटरेस्ट अंडर 234(ABC) टू बी लेव्ड बाय द एओ अंडर 143(3), एज्यूमिंग दैट असेसी हैज पेड टैक्स एंड इंटरेस्ट, करेक्ट टैक्स इंटरेस्ट एंड फी अंडर 234(F) करेक्टली अंडर 140(A) ऑन 17/12/21 आपको कहा गया है कि एओ वाला इंटरेस्ट निकालिए, बट पहले आपको जो असेसी ने इंटरेस्ट पे किया वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं आपको कि कितना कितना उसे पेमेंट किया है। वो तो कह रहे पे सही कर दिया उसने 17/12/2021 को। तो क्वेश्चन हम शुरू करेंगे कैसे कि पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर 140 है। हेल्प करिए मेरी, इनकम टैक्स कितना है? मैं अपने क्लाइंट की रिटर्न बना रहा हूं, ऑफिस में बैठा हुआ हूं, 4,00,000 का टैक्स है, लेस रिलीफ है 5,000, लेस है मेरा टीडीएस 45,000 और क्या है, एडवांस टैक्स है 3,00,000, जो टैक्स कम पे हुआ है 50,000 का टैक्स कम पे हुआ, एक तो 234(F) की फीस लगेगी, हम 234(F) की फी लगेगी 5,000 रुपया, टू थर्टी फोर ए का ब्याज लगाइए प्लीज। रिटर्न का फाइल किया आपने 17/12/21, क्वेश्चन में क्या किया है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब पे किया आपने? 17/12/21, 234(A) लग रहा है या नहीं लग रहा है? 1% पीरियड बोले कहां से लू? 1 अगस्त 2021 से टिल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने, अमाउंट 5,00,000, यस 5,00,000, एओ टैक्स। प्लीज सी, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं आपको, ये पेमेंट मैं 140(A) में कर रहा हूं ना, मुझे क्या मालूम एओ क्या टैक्स निकालेगा, मुझे क्या मालूम सिस्टम कंप्यूटर सीपीसी क्या निकालेगा, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूं। तो मैं 5,00,000 नहीं लूंगा, 4,00,000 ही लूंगा, क्योंकि जब मैंने रिटर्न फाइल की थी मुझे क्या मालूम एओ क्या करेगा, तो मैं तो टैक्स और इनकम असेस पर एओ की जगह ले लूंगा टैक्स एस आर वाई कितनी 4,00,000, लेस दिस लेस दिस लेस दिस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स इसलिए भी नहीं होगा, लेस होगा ड्यू डेट के बाद पे हो रहा है, डॉक्टर प्रणव रॉय 50,000, 5×5=2,500, 234(B), 6,00,000 असेस टैक्स क्या लूंगा मैं, 4,00,000 माइनस दिस दिस या 5,00,000 लो, 4,00,000 लेंगे ना, जब आप रिटर्न फाइल करें तो आपके हिसाब से 4,00,000 ही है, तो 4,00,000 माइनस 5 माइनस 45
3.5 लाख असेस टैक्स मानेंगे, उसका 90% हो गया 3,15,000, पे मैंने 3 लाख किया है, सेक्शन लग गया 1% इंटू 1 अप्रैल 2021 से लेकर 17/12/2021 तक 9 मंथ्स अमाउंट, आर यू श्योर 50,000? (234C) मुझे चेक करना पड़ेगा, पहली इंस्टॉलमेंट तो पे ही नहीं हुई है, उसका तो पूरा लगेगा, कितना? 15% किसका लू? 4 - 45 - 5 -0 × 1% × 3 months। दूसरा ब्याज देखेंगे आप, 3.5 लाख का 36% कितना होता है? चेक करिए 3.5 लाख का 36% कितना आ रहा है? 1,26,000। आपने 85 पे किया है तो पूरा 45% पे लगेगा। इसको देख लें, इसमें से सो 234C लगेगा, वन परसेंट 3 मंथ्स 15% ऑफ 350, 1% 3 मंथ्स 45% ऑफ 350 -50, 1% 3 मंथ्स 75% ऑफ 350 -1 लाख, और 1 महीने का ये ब्याज हो गया मेरा। सो माई टोटल डिमांड जो पेमेंट आ रही है 140 में कितनी आ रही है? 72,175। मैंने जानबूझकर राउंडिंग ऑफ टैक्स ही करते हैं, टैक्स। हाँ, यहां पर 72,180 कर देंगे बाद में, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं। वो तो जो हम इनकम टैक्स से फिगर होते हैं जब इंटरेस्ट निकालते हैं, उसे राउंड ऑफ करते हैं 100 रुपी में। एक मिनट, तो जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं जिस टैक्स पर, उस टैक्स की राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 100 में, करके दिखाऊंगा अभी आपको। मैंने जानबूझकर यहां से इंटीमेशन 143 की डिलीट की हुई है। बनाएंगे आप लोग, देखिए कौन सा पेज खाली है यहां पर। फर्स्ट पेज यूज कर लीजिए नोट्स वाला। वन फोर्टी थ्री वन का बोरी है क्वेश्चन, देखिए बताइए ना। 143 20 फरवरी को हो रही है, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर चेंज नहीं कर रहा, इनकम टैक्स वो कह रहे 4 लाख है, नाइन्टी वन रिलीफ 5,000 है, TDS फॉर्म 26 ASA पिकअप करेगा कितना है? 45,000। एडवांस टैक्स 26 ASA कैच करेगा कितना है? 3 लाख। लेस बस चेक करिए आपने 140 में कितनी पेमेंट की है, 72,000 तो टोटल पेमेंट आपकी 140 में,
140A में 72,000 कुछ पेमेंट है ना आपकी, वो तो टोटल पेमेंट है 140A में। 70 to 175 इज द टोटल पेमेंट। ब्रेकअप क्या है उसका? 50,000 प्लस। लेस आपने 140A में कितना पे किया है? 50,000 पे किया ना। 70 to 175 में ब्रेकअप है, 50,000 सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, कितनी डिमांड निकल गई आपकी? जीरो। सॉफ्टवेयर निकाल रहा है बेंगलोर वाला, ये बेंगलोर वाला सॉफ्टवेयर निकाल रहा है आपकी ये। एड फी अंडर सेक्शन 234F कितनी फीस है? क्या करूं? अपने आप करिए। आपने 140A की ब्रेकअप देखिए ना, 140 में फीस पे कर चुके हैं, लेस कर दीजिए। ये भी नहीं ला गया, ठीक। एड इंटरेस्ट अंडर 234A, बट पीरियड बढ़ जाएगा ना आपका, क्योंकि 143(1) इंटीमेशन 20 फरवरी को आ रही है। एग्री कर रहे हैं आप? ये भी देखिए एग्री कर रहे हैं। 234A में इंटरेस्ट कब से कब तक लगता है? ड्यू डेट से अगले दिन से डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओई तक लगता है। प्लीज, अगर प्रोसेसिंग आपकी 5 महीने बाद हो रही है तो आपका डिफॉल्ट 5 महीने थोड़ी बढ़ गया। डिफॉल्ट पीरियड तो मेरा कितना निकाला था? मैंने 4 महीने निकाला था ना, 8, 9, 10, 11, 5 महीने। डिफॉल्ट पीरियड तो 5 महीने रहेगा, चाहे प्रोसेसिंग मेरी 5-6 महीने बाद हो। सो 1% इंटू 5 महीने रहेगा। सिंस इनकम चेंज नहीं करा कंप्यूटर मेरी, तो क्या लूंगा बताइए? ROI माइनस दिस कितना है? 50,000। कितना आ गया ये? 2500। क्या करेंगे आप? लेस पेड अंडर सेक्शन 140 कितना पे किया है? 2500। 234B का ब्याज आप निकालेंगे, लिखिएगा मत, मुझे बताते जाइएगा। ऑल ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट। सेक्शन बोल दूं आपके लिए 234B। 234B लगता है फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर टिल डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर 143(1), और जहां असेसमेंट हुई है डेट ऑफ असेसमेंट कंप्लीशन तक। ये 143(1) सीपीसी बेंगलोर कंप्यूटर बना रहा है। 143(1) सीपीसी बेंगलोर कंप्यूटर बना रहा है। 234B कितने पीरियड का लगेगा? दिस टू दिस बोलिए।
एक अप्रैल 21 से लेकर 20 फरवरी तक लगेगा, डेट ऑफ इंटीमेशन तक। कुछ कहना चाहेंगे? सो 234B लगेगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर 20 फरवरी 2022 तक, क्योंकि लॉ कहता है इंटरेस्ट लगता है 1 अप्रैल ऑफ द सस्पेंड ईयर से लेकर डेट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इनकम अंडर 143(1) इस दिन हुई है मेरी। कुछ कहना चाहेंगे? बीच में पेमेंट हुई है, इसलिए इस पीरियड को दो पार्ट्स में बांटेंगे, 1/4/21 से लेकर पेमेंट कब हुई है, 17/12/21 को, दूसरा पीरियड कैसे गिनने बताया था मैंने आपको, अब दिसंबर छोड़ देंगे, 1 जनवरी 2022 से लेकर 20 फरवरी 2022 तक, वन परसेंट 9 months, सिस्टम लेगा 4 लाख माइनस 5,000 माइनस 45,000 माइनस 3 लाख, ₹4,500 हो गया ना, सेकेंड ब्याज 1% 9 months क्यों, 2 months इंटू 4 लाख माइनस 5,000 माइनस 45,000 माइनस 3 लाख माइनस 72,175। क्या लेस करूं, जो आपने टैक्स पे किया 140 में कितना पे किया था, कितना गया ये फिगर, 234B टोटल कितना गया, 140A कितना है, चेक करिए, नील ठीक, 234 सी तो सेम रहेगा, जो मैंने 140 में निकाला था, जो सिस्टम निकालेगा सेम रहेगा, कितना है 234 सी, 10,000 10,175 लेस पेड अंडर 140A 10,175 nil, डिमांड कितने की आएगी मुझे सीपीसी बेंगलोर से, nil। तो देखिए, अगर सब कुछ आपने सही पे किया असेसमेंट 140A में, कोई डिमांड नहीं आएगी, कोई डिमांड नहीं आएगी, जल्दी बताइए, क्लियर है, क्लियर है, बताइए, यहां पीरियड इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट क्यों नहीं बढ़ रहा,
पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट हो चुकी है। पता ही, अगर मैंने 140A में कम पे किया होता तो क्या होता? तो पेमेंट को पहले हम अप्रोप्रिएट करते 234ABC बैलेंस टुवर्ड्स टैक्स, तो यहां कम हो जाता तो ये पार्ट बढ़ जाता मेरा। क्वेश्चन 3 में ये वाला है, तो मैंने कहा बड़े ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चन है ये, एक एक स्टेप करके आपको नॉलेज दे रहे हूं। क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, अब आपकी 143 हो गई, बन जाइए ए ओ, बन जाइए ए ओ, 143 हो गई। टैक्स कितना निकाला आपने? 5 लाख। क्रेडिट दीजिए, माइनस 5,000, माइनस 45,000, माइनस 3 लाख TDS एडवांस टैक्स, माइनस सेल्फ असेसमेंट टैक्स, 1 लाख की डिमांड निकल गई टैक्स की, ठीक। 234FE 5,000, 140 में पे हो गई 5,000 नील, टू थर्टी फोर ए का ब्याज बोलते रहिए परसेंट 1 पीरियड, बट असेसमेंट तो हो रही है आपकी 30 जून 22 को, रिटर्न जब तक फाइल किया उसका पीरियड, उस पीरियड का इंटरेस्ट लगता है वो तो 5 ही रहेगा। अमाउंट टैक्स जो ए ने निकाला माइनस रिलीफ TDS एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स इसलिए कम नहीं पे करूंगा ड्यू डेट के बाद पे हुआ है, ये आ गया मेरा कितना 1.5 लाख 7500। 140 में कितना पे कर चुका हूं? 2500। 5 का ये ब्याज लग गया, कैरी फॉरवर्ड इनकम टैक्स 1 लाख, 234F फीस नील, 234A का इंटरेस्ट 5,000, 234C हाथ कैद कर लेते हैं, 234C नील हो जाएगा ना, जितना बनता है लेस 140 नील, 234B। That's the only thing. टू थर्टी फोर बी कब से कब तक लगेगा? एक अप्रैल 21 से लगेगा कब तक? 30 जून 22 तक। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बीच में पेमेंट हुई है, 1/4/21 से लेकर 17/12/21, 1 जनवरी 22 से लेकर 30 से 22, 9 महीने, 6 महीने। अमाउंट बताइए, अमाउंट जो टैक्स ए ने निकाला माइनस 5 लाख, माइनस 5,000 रिलीफ, माइनस TDS 45,000, माइनस एडवांस टैक्स कितना आ गया? और दूसरे पार्ट में 140 टैक्स हम कर देंगे 1 लाख, ये हो गया 15 निम्मा 13,500, ये हो गया 6,000, इंटरेस्ट बन गया 19,500। 140 में कितना पे कर चुके हैं आप? 15,000 का इंटरेस्ट निकल गया,
एंड देयरफॉर योर डिमांड इज 1,20,000। सीख गए अब आप? बताइए, कैन यू प्लीज स्टार्ट द क्लास? क्वेश्चन 2 दोबारा पढ़िए, पेज 217। पेज 217, क्वेश्चन 2 दोबारा पढ़िए। ठीक, अब आप कुछ नहीं लिखेंगे, डोंट राइट एनीथिंग, मुझे लिखवाएंगे आप। एज हमने इस क्वेश्चन में अजम्पशन लिया हुआ है कि असेसी ने सब कुछ ठीक पे कर दिया था 140A में, अजम्पशन चेंज करते हैं। मैंने कहा कुछ लिखेंगे नहीं आप लोग, प्लीज अजम्पशन ये करते हैं कि 17 दिसंबर 2021 को असेसी ने 140A में सिर्फ 55,000 पे किया था, और जब 143(1) की डिमांड आई उसे पे नहीं किया। करिए दोबारा से क्वेश्चन, स्टार्ट करिए क्वेश्चन 2। टैक्स एस पर आरवाई सेम रहेगा 4,00,000, तो 140A में कितनी पेमेंट होनी चाहिए थी वो सेम रहेगी चेंज होगी? टोटल 140A में टैक्स 4,00,000 था, TDS ये एडवांस टैक्स 234A, B, C, पेमेंट इतनी करनी चाहिए थी आपने, की कितनी है? मैंने भी बताया था ना 55,000। तो क्या करेंगे आप, इस 55,000 को एप्रोप्रिएट करेंगे, याद करिए 140A। देख के बताइए, पहले करते हैं फीस को, 234F फीस 5,000, 234A, B, C कितना है मेरा टोटल 22,175, 17,175, और बैलेंस माना जाएगा टुवर्ड्स इनकम टैक्स कितना हो गया वो 32,008 टुवर्ड्स टैक्स माना जाएगा। अब आप सीपीसी बेंगलोर बन जाइए, सीपीसी बेंगलोर बन जाइए, टैक्स कितना है 4,00,000 माइनस 45,000 माइनस 5,000 माइनस 3,00,000 माइनस सेल्फ असेसमेंट में जो पे किया आपने 32,825, 143 में इनकम टैक्स रिमान कितनी आ गई आपकी मेरी 17,175,
234F की फीस 5000 लगेगी, 140 में कितनी पेड है 5000, निल हो जाएगा। 234A का इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1% पीरियड 5 months, अमाउंट वहां सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो कम करते ही नहीं हम, बिकॉज यहां ड्यू डेट के बाद पे हुआ है तो 50,000 ही रहेगा। कितना हो गया ये 2500, 140 में कितना पे किया आपने 2500, निल हो गया। टू थर्टी फोर बी कितने पार्ट्स में होगा, 1 April 2021 से लेकर 17/12/2021 तक, और दूसरा बनेगा आपका 1 January 2022 से लेकर 20 February 2022 पहले पार्ट में 1% इंटू 9 months इंटू टैक्स डिटरमिंड माइनस रिलीफ माइनस टीडीएस माइनस एडवांस 85,000, दूसरे पार्ट में 1% इंटू 2 months इंटू 50,000 में फर्दर माइनस करेंगे क्या 32,825, ये हो गया 75। हम इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 100 रुपी, यहां राउंड ऑफ करते हैं तो 17,100 इंटू 2 months इंटू 1% कितना हो गया 342, ये आ गया मेरा 4842। 140 में कितना पे किया था आपने 175, मैंने बताया था ना 175, फ्रैक्शन ऑफ द 100 इग्नोर कर देते हैं, आधा नंबर इंस्टीट्यूट उसके लिए भी रखती है। 140 में कितना पे किया हमने 342, ये निकल गया 234 से तो निल आ जाएगा। अब मेरी 1431 में डिमांड कितनी आई, एक तो ये वाले टैक्स 234 ए निल आ रहा है, बी में मेरा ये सेकंड पार्ट बढ़ गया एफ में निल है, मतलब एक तो 234 बी का सेकंड पार्ट बढ़ गया मेरा, एक जो मैंने टैक्स कम पे किया था वो आ गया ही है, और डिमांड आ गई मेरी 17,175 17। आप मुझे बता सकते हैं जो अमेंडमेंट आई थी कि जो हम पेमेंट को अप्रोप्रिएट करेंगे टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड देन टुवर्ड्स टैक्स, इससे 234 ए पे फर्क नहीं पड़ता, सी पे फर्क नहीं पड़ता, बी का सेकंड पार्ट बढ़ जाता है। नाउ यू नो द रीजन फॉर द अमेंडमेंट, अगर आप 140 में कम पेमेंट करते हैं तो जो पेमेंट किए हम पहले अप्रोप्रिएट करेंगे फीस और इंटरेस्ट की तरफ बैलेंस टुवर्ड्स टैक्स, तो यहां मेरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट कम हो गई, इससे मेरा 234 बी का सेकंड पार्ट बढ़ गया। और आपको अब जो इंटीमेशन आ जाएगी 1431 की 17,517, एक तो ये टैक्स को कम पे किया था आपने वो, प्लस उस पर जो ब्याज लग गया 234 बी का सेकंड पार्ट, और इसको राउंड ऑफ कर देंगे 17,520। चलिए 143,310 बनवा दीजिए मुझसे अब एओ।
ईओ बन जाइए अपने, ईओ ने कितनी डिमांड निकाली, 5 लाख। अच्छा, मैंने अजम्पशन लिया कि 143(1) में पेमेंट नहीं हुई है, 143(1) के इंटीमेशन का आपने पेमेंट नहीं की, सो मैंने अजम्पशन ले रहा हूं कि 143(1) की डिमांड आई, आपने पेमेंट नहीं की, आप थोड़े रेस्टलेस हो रहे हैं। लेट मी टेल यू, जो मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन 3 है, जो मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन 3 है, तभी आपको लिखने से मना कर रहा हूं। सॉल्व इलस्ट्रेशन 2 अबव ऑन द अजम्पशन दैट असेसी हैज पेड ओनली 55,000 अंडर 140 ऑन 17/12/21 एंड हैज नॉट पेड द डिमांड अंडर 143(1). तो देखिए 17,517 की डिमांड आ गई 143(1) में, वही हमने निकाली थी। एक तो जो टैक्स ही शॉर्टफॉल है वो ए निल, बी का सेकंड पार्ट बढ़ गया, सी निल। अब मुझसे आप 143(3) बनवा दीजिए, 5 लाख की डिमांड है, लेस प्रीपेड 5 लाख का रिलीफ, 45,000 का TDS, 3 लाख एडवांस टैक्स, वन फोर्टी में कितना पे कर लेस करूं, 32,875 भी लेस करेंगे, 143(1) में कितनी पेमेंट हुई है, पेमेंट हुई नहीं तो लेस नहीं करेगा सिस्टम। हमने अज्यूम किया ना 143(1) में पेमेंट नहीं हुई है, क्वेश्चन 4 में अज्यूम कर लें पेमेंट हुई है, हर क्वेश्चन में चेंजेस हैं, बट यहां पेमेंट नहीं हुई है तो लेस नहीं करेगा सिस्टम। ये मेरी 143(3) में डिमांड निकल जाएगी टैक्स की, बताइए। तो देखिए जब मेरी 143(3) होगी पेज 220, इनकम टैक्स 5 लाख निकाला है उन्हें, रिलीफ TDS कम कर दूंगा, एडवांस कम कर दूंगा, 140 में पे हुआ 32,825, 143(1) में कुछ पे नहीं हुआ तो लेस नहीं करूंगा। आगे मत देखिएगा 234 ए का ब्याज कितने महीने, 5 महीने, 1% अमाउंट 5 लाख माइनस 45 माइनस 5 माइनस 3 लाख, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कम नहीं होगा बिकॉज ड्यू डेट के बाद पेड है, सो 234 ए का ब्याज आ जाएगा 7,525 में पे कर चुका हूं। अब गलती करेंगे आप, देखिएगा मत, 234 बी कितने पार्ट्स में निकाला जाएगा, दो या तीन, बट 143(1) हुई है आपके बीच में, पे नहीं हुआ है। जब पे नहीं हुआ सरकार को क्रेडिट नहीं मिला, बांटिए इंटरेस्ट कितने भागों में बांटेंगे, कितने पीरियड्स में, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 17 दिसंबर 2021, दूसरा 1 जनवरी 2021-22 से लेकर 30 जून 2022, अमाउंट 5 लाख माइनस 45,000 माइनस 5,000 माइनस 3 लाख पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में ये माइनस कर दूंगा। समझ में आ गया आपको सेक्शन, आ गया सेक्शन समझ में आपको, कर लेंगे आप। तो एक काम करिएगा प्लीज, ये तीन इलस्ट्रेशन दोबारा करिएगा, आई थिंक उसमें 6 या 7 इलस्ट्रेशन होंगी, या 7 हैं, 7 शायद मैंने बनाई थी,
सेवन बेकार है, वैसे मैंने बनाई है, सेवन मैंने बनाई है, वो बेकार है. सो सिक्स आर फ्रॉम दैट बोर्ड सर्कुलर, इनको प्लीज करिएगा और इनको हाथ से लिख के करेंगे आप, पढ़ के नहीं करेंगे आप. सो प्लीज हाथ से लिख के इन छह इलस्ट्रेशन को करिएगा. तीन तो मैं करा चुका वैसे आपको, सेवन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है मैंने. शायद कंफ्यूज हो जाए, शायद कंफ्यूज हो जाए, है कुछ नहीं उसमें. सो सेवन्थ में कुछ मैंने किया है, वेरी सिंपल. शायद आप गलती करते हैं, तो मैं चाहता हूं गलती करते हैं, ठीक है. सो प्लीज अटेम्प्ट दिस सिक्स इलस्ट्रेशंस. तीन हम कर चुके हैं, तीन दोबारा से कर लीजिएगा. अब आ जाइए आप. अच्छा, एक तो ये कर लीजिएगा, उसके बाद पास्ट ईयर्स में से ना मैं क्लास के एंड में बता दूं कौन सी करनी पास. चलिए पहले ये करिए, पहले ये करिए, ये करिए. अब आप सुनिए, मैं बता रहा था 90% का गेम होता है. बड़ी कंपनीज लाइक इंफोसिस, रिलायंस, हम जब पीएनबी का काम करते हैं, पीएनबी को भी कहते हैं, लिख के नहीं देते, उनके कहते हैं सर ऐसा करना है हमने, और वहां पर भी ऐसा करवाते हैं. रिलायंस जैसी कंपनी जहां टैक्स ही 10,000 करोड़ है, हम कहते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15% कितना बनता है इसका, 15% नहीं निकाल सकते 10,000 करोड़ का, 1500 करोड़. हम कहते हैं 1500 करोड़ की जगह 1200 करोड़ जमा कर दीजिए, 300 करोड़ के एफडी करा दीजिए, 3 महीने का ब्याज मिल जाएगा आपको. सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम कहते हैं कि टोटल 3600 करोड़ जमा कराइए, 900 करोड़ कम जमा कराइए, 900 करोड़ की 3 महीने की एफडी करा दीजिए. आज आप मालूम है इंफोसिस, इंफोसिस की आज एक मेजर इनकम है अदर इनकम्स, आज इंफोसिस की एक मेजर इनकम है अदर इनकम्स. इंफोसिस इज हैविंग सो मच ऑफ बैंक एंड बैंक बैलेंसेस कि इंफोसिस ने अपना एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट बना दिया कि इंफोसिस के पास जो 16,000 करोड़ पड़ा हुआ है उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए. यस, एक दिन का फर्क पड़ता है ना, एक दिन का इंटरेस्ट का फर्क पड़ता है. तो ट्रेजरी वाले एक्सपर्टाइज होते हैं कि एक दिन के लिए भी पैसा नहीं छोड़ेंगे, हम इंटरेस्ट पर डिप्लॉय करेंगे. सो यहां पर भी कैरियर होता है आज ट्रेजरी. सो जितनी कैशलेस कंपनीज हैं सबने अपनी ट्रेजरी बनाई हुई हैं, जहां जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एमबीएस बैठे हुए एडवाइस करते हैं पैसा कैसे लगाया जाए. अब देखिए यहां पर 3 महीने के लिए मैंने 300 करोड़ इन्वेस्ट कर दूंगा, 3 महीने, अगले 3 महीने 900 करोड़ कम पे किया. थर्ड हम कहते हैं पूरी पे करिएगा, पूरी. जो 15th मार्च की इंस्टॉलमेंट होती है हम कहते हैं 10% कम पे करिए. और इसको हम पे करेंगे 31/10/2021 को 11:59 PM इन द नाइट. यस, इट मेक्स अ डिफरेंस.
1,000 करोड़ पर एक दिन का ब्याज मैटर करता है? तो जो ट्रेजरी होता है वो तो एक एक पैसे के पीछे भागता है, उनकी सारी प्रमोशन इस बेस पे होती है अदर इनकम्स कितनी अर्न की आपने। मैं कहता था इंफोसिस की आईटीसी की बैलेंस शीट उठा के देखिएगा अदर इनकम्स कितनी सब्सटेंशियल है। आप देखिए मैंने क्या क्या जान बोझ कर ये 1,000 करोड़ की पेमेंट डिले कराई है। कितनी डिले हो गई? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7.5 महीने डिले हो गई। और यहां पर बताइए कंपनी को 234C देना पड़ेगा या नहीं? अगर आपको सेक्शन समझ में आ गया है तो बताइए प्लीज। 234C 1 महीने का जाएगा 1%। क्या दिक्कत है? 1,000 करोड़ कितने महीने एंजॉय कर रहा हूं मैं? 7.5 महीने 1% पे कहां मुझे इतने कम पे लैंडिंग मिलती है? इससे ज्यादा कमा लूंगा, ट्रिपल कमा लूंगा, सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कमा लूंगा। दिस इज दैट 10% प्लानिंग हर कोई करता है। हम राइटिंग में नहीं देते, मतलब बताते, मतलब हर किसी को मालूम होता ही है। तो आप भी जब जाएंगे तो देखेंगे, सरप्राइज होंगे कि कंपनी 234C दे रही है। डेलिबरेट अटेम्प्ट होता है। सो 10% से प्ले कर गए आप, समझ में आ गया? ओके। मैंने आपसे कहा था कि 15 जून को आपको लॉटरी भी, जो 31 मार्च को लॉटरी निकलेगी वो भी एंटिसिपेट करनी पड़ेगी। आप एकदम भौचक्के रह गए थे, कैसे हो सकता है? देखिए लॉटरी तो मैंने एक एक्सट्रीम केस ले लिया, एक्सट्रीम केस की बात कर लेते हैं। लॉटरी मुझे दिक्कत इससे नहीं आती, लॉटरी पे टीडीएस कट जाता है, लॉटरी पर टीडीएस कट जाता है, इससे दिक्कत नहीं आती है। कैपिटल गेन्स, शेयर मार्केट अचानक डबल हो गई। मार्च में शेयर मार्केट बूम कर गई, शेयर ट्रिपल हो गए मेरे, मैंने बेच दिए, गेन आ गया मुझे। मैं गेन सोच भी नहीं सकता था 15 जून को। तो देखिए अब लॉ आपको रिलैक्सेशन कहां देगा? जैसे लॉटरी इनकम होती है, मान लीजिए लॉटरी पे टीडीएस होता, मान लीजिए जो अनसर्टेन इनकम होती है अगर वो हो जाती है आपको, तो कहां रिलैक्सेशन मिलने चाहिए? ए बी सी। ए में तो कोई रिलैक्सेशन की बात ही नहीं है, रिटर्न टाइम पे फाइल करिए। बी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 31 मार्च को भी इनकम हो जाती है, 31 मार्च को आप इलेक्ट्रॉनिकली टैक्स पे कर सकते हैं। आज 234B भी रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, सी में रिलैक्सेशन की जरूरत है। और 234C रिलैक्स किया गया, 234C रिलैक्स किया गया। देखिए प्लीज कुछ हो जाए, ये 6 क्वेश्चंस करके आइएगा, 7 क्वेश्चन जो है नहीं करके आएंगे, आपको दिक्कत होगी, मुझे दिक्कत होगी, नेक्स्ट क्लास में 100% दिक्कत होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ये मान के चलूंगा ये सेक्शंस क्लियर हो गए आपको, हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। सो फर्स्ट प्रोविजो टू 234C, सो फाइनेंस एक्ट 21 ने कुछ गलती थी जो रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक कर दी है। अब लॉ कहता है कि 234C हम नहीं लगाएंगे। अगर शॉर्टफॉल जो हुई एडवांस टैक्स पे करने की वो इन इनकम्स की वजह से हुई है, यानी 234C में रिलैक्सेशन कर देंगे हम, रिलैक्सेशन कर रहे हैं हम। अगर आपको ये इनकम्स आ रही है, कब आ रही हैं? पहली इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट के बाद। अगर पहली इंस्टॉलमेंट यानी 15 जून से पहले इनकम आ गई है, फिर तो रिलैक्सेशन होगी नहीं।
तो अगर 15 जून या उससे पहले इनकम आ गई हैं, फिर तो रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है, आप 15 जून को एडवांस टैक्स पे करिए उस पर। सो ये रिलैक्सेशन तब होंगी जब ये चार तरह की अनसर्टेन इनकम्स होंगी। सो लॉ मानता है ये चार इनकम्स अनसर्टेन है, जो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कैप गेन्स, अब आप देख रहे हैं शेयर मार्केट 60,000 पहुंच गई है। किसी ने सोचा नहीं था कि टाटा स्टील का शेयर 500 रुपए से 1400 हो जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था अडानी के शेयर्स 5-5 गुना हो जाएंगे। और अब असेसी सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी 15 सितंबर के बाद शेयर बेच रहा है, तो कैप गेन्स हो रहे हैं। 15 जून को एंटिसिपेट नहीं कर सकता था, 15 सितंबर को एंटिसिपेट नहीं कर सकता था। सो कैप गेन्स एक ऐसी इनकम होती है जो अनसर्टेन होती है। स्टॉक मार्केट्स बढ़ गई, गेन हो गए। मुझे अपना घर बेचना पड़ गया, फादर का ऑपरेशन करवाना था, मेडिकल इमरजेंसी थी, घर बेच दिया, कैप गेन हो गए। सो कैप गेन्स को लॉ मानता है अनसर्टेन इनकम है। नंबर दो, लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये तो अनसर्टेन होती हैं। तीसरा, जहां कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप, पहला साल है आपका, सो पहले कभी आपने बिजनेस नहीं किया, पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और पहली बार बिजनेस इनकम आ रही है आपको। सो सिंस पहला साल है बिजनेस का, आपको पता नहीं इनकम्स क्या होंगी, उस केस में रिलैक्सेशन करेंगे। और चौथा है डिविडेंड्स, डिविडेंड्स, डिविडेंड इनकम अनसर्टेन होती है बिकॉज डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है। आप देखिए आईटीसी ने अभी 1000% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, टाइड वाटर ऑयल ने, एक कंपनी है टाइड वाटर ऑयल, उसने 3000% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, पता ही नहीं था डिविडेंड डिक्लेयर करेगी इतना हैवी। सो लॉ चार इनकम्स को अनसर्टेन मानता है। रिलैक्सेशन देंगे आपको अगर ये चार इनकम्स हो रही हैं आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, सेकेंड के बाद, थर्ड के बाद, लाइक दैट। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 234C, द प्रोविजन्स ऑफ सेक्शन 234C शैल नॉट अप्लाई टू एनी शॉर्टफॉल। सो 234C नहीं लगेगा, शॉर्टफॉल हुई इन द पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू टू ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम वेयर सच शॉर्टफॉल इज ऑन अकाउंट ऑफ अंडर एस्टिमेशन और फेल टू एस्टिमेट व्हाट कैप गेन्स। कौन से कैप गेन्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोथ, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। और इनकम बाय वे ऑफ विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग एटसेट्रा, अनसर्टेन इनकम। थ्री, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन केस वेयर द इनकम एक्रूज और राइजेज अंडर द सेड हेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जिंदगी में पहली बार आपको पीजीपी इनकम आ रही है। एंड फोर्थ इज डिविडेंड इनकम। सो फाइनेंस एक्ट 2021 ने क्लैरिफाई किया डिविडेंड में, यहां पर 222E का डिविडेंड नहीं आता, हम करेंगे बाद में, व्हाट इज 222E, दैट्स अ डीम डिविडेंड। सो प्रोविजंस ऑफ 234C शैल नॉट अप्लाई टू एनी शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम वेयर सच शॉर्टफॉल इज ऑन अकाउंट ऑफ अंडर एस्टिमेशन और फेल टू एस्टिमेट फोर काइंड ऑफ इनकम, कैप गेन्स, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम्स वगैरह, पीजीपी इनकम फर्स्ट टाइम लाइफ में आ रही है आपको, एंड डिविडेंड इनकम। एंड द असेसी हैज पेड द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम्स रेफर्ड इन ABCD अबव एज पार्ट ऑफ द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स विच आर ड्यू। और जहां इंस्टॉलमेंट कोई ड्यू नहीं है, यानी 15 मार्च के बाद इनकम हो रही है, तो आप पे कर दीजिए बाय 31st मार्च। लॉ की लैंग्वेज इतनी प्रॉपर नहीं है, लॉ की लैंग्वेज इतनी प्रॉपर नहीं है, जो लिखा है ना ये वाला, इतना प्रॉपर नहीं है, बट अभी इलस्ट्रेशन के थ्रू करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा।
तो लॉ कहता है कि 234C नहीं लगाएंगे हम, अगर जो शॉर्टफॉल हुई है वो क्यों हुई है, इन चार इनकम्स को एस्टिमेट नहीं कर पाया, यानी ये चार इनकम्स हुई आपकी ड्यू डेट ऑफ द मतलब 15 जून के बाद, 15 सितंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद, 15 मार्च के बाद। वो कह रहे अगर आप जो टैक्स बनता है इन इनकम्स पर उन्हें जमा कर देते हैं इन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स, और अगर कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है यानी 15 मार्च के बाद हो रही है तो 31 मार्च को जमा कर दीजिए। तो लॉ इतना प्रॉपरली वर्डेड नहीं है, अभी करते हैं, समझाता हूं इसको। ये एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है बाय द फाइनेंस एक्ट 21 रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। इन्होंने कहा डिविडेंड का मतलब है सारे डिविडेंड्स एक्सेप्ट सेक्शन 222E। सो 222E होता है जहां शेयर होल्डर को लोन देती कंपनी, दैट लोन इज डीम्ड एज डिविडेंड, उसको कवर नहीं करेगी। इस सेक्शन को समझते हैं इस इलस्ट्रेशन के थ्रू। ये इलस्ट्रेशन मैंने बोर्ड के सर्कुलर से ली हुई है, जो मैं बता रहा था ना आपको, 7 इलस्ट्रेशन थी बोर्ड के सर्कुलर में जहां उन्होंने सेक्शन को समझाया, वहीं से मैंने इलस्ट्रेशन ली है। फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 मिस्टर एक्स एंटिसिपेट्स ऑन 15 June 20 दैट इज इनकम विल बी 7,20,000। अब 10 December 20 को ही वॉज फोर्स बिकॉज ऑफ सर्टन कंटिजेंसीज टू सेल सम कैपिटल एसेट ऑन विच ही अर्न अ शॉर्ट टर्म कैबिन ऑफ 2 lakh। ये कैबिन कब हो रहा है, पहली दूसरी इंस्टॉलमेंट के बाद, पहली दूसरी इंस्टॉलमेंट के बाद हो रहा है। 2 lakh वॉज नॉट एंटिसिपेटेड बाय हिम ऑन 15 June 20, इवन 15 September 20 को एंटिसिपेट नहीं कर सकता था वो, और उसने एडवांस चेक पे किया है 15 June 20 को इतना, 15 September 20 को इतना, 15 December 20 को इतना, 15 March 21 को इतना। अब आप देखिएगा मत, उसकी अदर इनकम्स है 7,20,000 और शॉर्ट टर्म कैपगेन्स है 2 lakh रुपए की। मान लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपगेन्स ट्रिपल बनने वाले नहीं है, नॉर्मल टैक्स लगेगा, तो 9-20 पर टैक्स निकलता है मेरा 1,360,000। अगर मैं ये इनकम हटा दूं तो टैक्स ऑन 7-20 बनता है मेरा 58,760। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 15 जून को जो डिफॉल्ट देखेंगे हम, क्या लूं? ये लूं या ये लूं? ये लेंगे आप, बिकॉज 2 lakh की इनकम तो अनसर्टेन है, लॉ ने रिलैक्सेशन दिया मुझे। तो आप देखिए 12% ऑफ 58,760 कितना होता है बच्चों, आपके कैलकुलेटर भी काम नहीं करते क्या? 58,760 का 12% आ गया 7,051। एडवांस टैक्स इतना पेड है 8,000, कोई डिफॉल्ट नहीं। 15 September 20 को कितना पे होना चाहिए था? 36% ऑफ व्हाट? 58,760। ये आ गया 21,153 रुपए। पे कितना हुआ है? 17,000, डिफॉल्ट आ गया। आप जो इंटरेस्ट निकालेंगे किसके साथ से निकालेंगे? 45% ऑफ 58,760। 36% हम देखते हैं सिर्फ चेक करने के लिए, सेक्शन लग रहा है नहीं लग रहा। आप थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर, वो क्या लूंगा मैं? 75% ऑफ व्हाट?
1,30,060। सो इस इलस्ट्रेशन को फॉलो करिए, कंसेप्ट यही वाला है, यही एक्सप्लेनेशन बोर्ड के सर्कल ने दी हुई है इलस्ट्रेशन। एज्यूमिंग दैट 111 इज नॉट एप्लीकेबल, पेज 227, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ एक्स एक्सक्लूडिंग कैप इंक्लूडिंग कैप गेंस आ रहा है 1,30,060, टैक्स ऑन टोटल ऑफ मिस्टर एक्स एक्सक्लूडिंग कैप गेंस आ रहा है 58,760। 15 जून को आपको पे करना चाहिए था 12% ऑफ 58,760, आपने पूरा पे कर दिया है, नो डिफॉल्ट। 15 सितंबर को पे करना चाहिए था 36% ऑफ 58,760, कम पे किया है, 45% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे। 15 दिसंबर को 75% ऑफ 1,03,60 कम पे किया लगेगा, और 15 मार्च को पूरा 1,00,000 पे करना चाहिए था हमने 1,03,60। सो फर्स्ट इंटरेस्ट निल है, सेकंड इंटरेस्ट 45% ऑफ 58,760 माइनस 70,000, 75% ऑफ 1,03,60 माइनस 31,000, करेक्ट। सो गो बाय द लॉजिक गिवन बाय दिस इलस्ट्रेशन। अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो लॉ की लैंग्वेज फॉल्टी है, मतलब सेंस कन्वे नहीं करती। तो सीधी बात यह है कि ये चार इनकम्स अगर आपको हुई हैं 15 जून के बाद, 15 सितंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद, तो आप जो 234 सी निकालेंगे, सपोज ये इनकम हुई 10th जुलाई को, तो जो 15 जून का 12% निकालेंगे वो निकालेंगे बाय टेकिंग द टैक्स एक्सक्लूडिंग द इनकम जो आपको हुई 10 जुलाई। सो फॉलो दिस इलस्ट्रेशन, इल बी क्लियर टू यू, आई होप यू क्लियर है आपको। पेज 229, इलस्ट्रेशन 2 देखिएगा। An individual has total income of 12 lakh in previous year 21 and it includes dividend of 3 lakh from domestic company. The dividend is received on 10/21. Matlab, after the third installment, assume a assessee has not opted for special tax regime. Advance tax paid is as under. Compute the interest. Bina dekhe. आप टैक्स निकालेंगे 9 लाख पर, या नहीं 12 लाख में 3 लाख के डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड है, सो 9 लाख पे टैक्स निकालिए, उसके हिसाब से पहली दूसरी तीसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी, और चौथे इंस्टॉलमेंट पे टैक्स के लिए टैक्स निकालेंगे आप किस पर, 12 लाख पर। 1 लाख क्या कर रहे हो आप, इतना क्यों पढ़ते हो आप, उल्टे सीधे चीजें कंफ्यूज करते रहते हो आप, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के 112 ए के 1 लाख से कंफ्यूज हो रहे हैं, मत पढ़ा करो इतना, उसी से कंफ्यूज हो रहे हैं। टैक्स ऑन 9 लाख है 96,200, टैक्स ऑन 12 लाख है 179,400। नाउ 15/6 तक मुझे पे करना चाहिए 12% ऑफ 96,200, मैंने पे किया है एक्चुअली कितना 12,000, पहले इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 15/9 तक 36% ऑफ 96,200, 34,632 पे कितना किया मैंने 30,000, 30 पे किया है ना, 12 + 18 = 30, सेक्शन लग जाएगा। 45% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे, हम 15, 12, 20, 75% 12, 72, 150 एक्चुअली पेड 60,000, ये भी लग जाएगा। चौथा 179,400 पेड है मेरा 150, ये भी लग जाएगा। देखिए पहला इंटरेस्ट नल,
चेक करिए ठीक है या नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने और बनाया था, या सेम पेज, पेज 229। ध्यान से करिएगा, गलती हो सकती है, क्योंकि जब मैंने पहली बार सॉल्व किया था मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ही बनाया था और मुझसे गलती हो गई थी। अ फर्म स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस इन प्रीवियस ईयर 21, नया बिजनेस है, इनकम जो एक्रू हुई वो इतनी हुई, इनकम इतनी एक्रू हुई 15-6-20 तक, 15-9-20 तक, 15-12-20। फर्म की अदर सोर्स भी इनकम है 10 लाख रुपए की, ठीक, कैसे करूं इसे, देखिएगा मत प्लीज, आंसर आंसर मत देखिएगा। टोटल इनकम फर्म की कितनी हुई, 1 करोड़। 90 की पीजीपी, 10 का ये अदर सोर्स, 1 करोड़ की टोटल इनकम है, उस पर टैक्स कितना बना, क्या कर रहे हैं आप, फर्म का टैक्स नहीं मालूम क्या होता है, 30%, 30 लाख सीधा, उसे 4% सेस 31,20,000 एडवांस टैक्स ऐसे पे किया गया है। कैसे निकालूं रिलैक्सेशन, फर्स्ट क्वार्टर में जो इनकम हुआ 15 जून 20 तक, मुझे 20 लाख इनकम आ गई थी, 10 लाख मुझे एंटिसिपेट करनी पड़ेगी अदर सोर्स की, क्यों नहीं करूंगा, आपको रिलैक्सेशन तो सिर्फ पीजीबी भी इनकम की दी गई है, डिविडेंड की है, कैप गेंस की है, लॉटरी वगैरह की है, ये तो आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपको मालूम होना चाहिए। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट है 20 लाख की इनकम ली जाएगी, 10 लाख की है 30 लाख, उस पर 31.2% टैक्स निकाला जाएगा, उसका 12% निकालूंगा, सो 30 लाख 31.2 12%, 1,12,560, बट मैंने 1,15 पे किया हुआ है, तो पहला ब्याज नहीं लगता मुझे, 15-9-20 तक 30 लाख हो गई मुझे इनकम, कितने लूंगा अब, 40 लाख का 31.2% इंटू 36% 449,280, पेड है 515, नहीं लगता ये वाला ब्याज भी, हम 15-12-20 70 + 10 = 80 लाख का 31.2 इंटू 75% योगी 18-72, बट पेड है 18-15, ये ब्याज लग जाएगा मुझे, बट लगाऊंगा इस हिसाब से 18-72 - 18-15 इंटू 3 मंथ्स इंटू 1% चौथा, इंटरेस्टिंग केस ही वाला, 80 लाख प्लस 10 90 लाख पर 31.2% हो गया 28,08,000, और मैं पे कितना किया है,
हाँ, ये मैंने यहाँ पर एक अच्छा इशू लिया हुआ है, 30-15 पे किया हुआ है, ब्याज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लास्ट आंसर मत देखिएगा प्लीज। हाँ एक मिनट तो रुक जाइए प्लीज, 15 मास तक 80 लाख की इनकम थी, 80 प्लस 10 अदर सोर्सेस, 90 पर 31.2 28.8 मैंने पे किया हुआ है, 30-15 तो ये ब्याज नहीं लगेगा। आखिरी बताइए, अब यहां कुछ इनकम 15 मार्च के बाद हो रही है, बड़ा अच्छा केस है ये, कुछ इनकम 15 मार्च के बाद हो रही है, कितनी इनकम है, 10 लाख, 10 लाख पे 31.2% टैक्स लगा लीजिए, करिए करिए करिए, 3,12,000, तो मुझे 3,12,000 पे कर देने चाहिए थे 31 मार्च तक। सोचिए आपके फादर का केस है, फिर आपको दर्द हो जाएगा। जो मुझे 16 मार्च से 31 मार्च इनकम हुई वो है 10 लाख, लॉ कहता है अगर 15 मार्च के बाद हो रही है तो आपको इमीडिएटली 31 मार्च तक जमा कर देना चाहिए, तो ब्याज नहीं लगेगा, अगर नहीं जमा करूंगा तो 1% ब्याज लग जाएगा एक महीने का, यानी 10 लाख की इनकम हुई, 10 लाख पे 31.2 टैक्स बना, 3,12,000 मैंने जमा किया सिर्फ 60,000, तो 3,12,000 माइनस 60,000 पे एक महीने का ब्याज लग जाएगा मुझे ना, मैंने पहले एक्स्ट्रा भी तो जमा किया हुआ है, कितना एक्स्ट्रा जमा है मेरा, 16,00,000, टोटल टैक्स कितना पेड हो गया देख लीजिए ना, कितना हो गया, 30 पे 76 है, लास्ट जो 16 मार्च से 31 मार्च ब्याज लगे वो कितने पे लगना चाहिए, 45,000। क्या कैसे निकाल रहे हैं आप लोग मुझे बताएंगे फॉर्मूला, एक मिनट आप लोग कह रहे हैं टोटल टैक्स जो बना 1 करोड़ पर 31,20,000 माइनस टैक्स डिपॉजिटेड टिल डेट कितना है, 45,000 की शॉर्टफॉल किया ना, तो इसलिए आपका आखिरी ब्याज जो लगेगा 45,000 पे लगना चाहिए, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन से प्रैक्टिकल लाइफ से कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये, और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हमने देखा है तब मैंने लिया है ये, और मैंने कहा था मैंने जब सॉल्व किया था मैं गलती कर गया था। एक मिनट क्लियर है ये, यानी अगर मुझे 15 मार्च के बाद इनकम हो रही है तो मुझे उसका टैक्स 31 मार्च तक जमा कर दूंगा तो ब्याज नहीं लगेगा, अगर जमा नहीं करूंगा तो ब्याज लग जाएगा। मैंने कुछ यूजलेस से फॉर्मूले बनाए, शायद आपको पसंद आए, पेज 227 मैंने निकाला टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैप गेन्स कैजुअल इनकम बिजनेस इनकम विच अक्रूस टू द एसोसिएट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिविडेंड इनकम लेट्स से दैट इज एक्स, यानी सारी इनकम पर टैक्स एक्स है, टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूडिंग कैप गेन्स यानी
ये चार इनकम को छोड़कर बाकी इनकम टैक्स कितना आ रहा है? वाई, यानी टैक्स ऑन कैप गेन्स कैजुअल इनकम्स वगैरह हो गया हमारे एक्स माइनस वाई। अब आप फॉर्मूले नहीं देखेंगे, फॉर्मूले नहीं देखेंगे आप, पता ही ये चारों इनकम अगर 15 जून से पहले राइज होती है फिर तो आप जो निकालेंगे 15% 12% जो भी निकालेंगे किसका निकालेंगे, एक्स का या वाई का? एक्स का ही निकालेंगे। अगर ये सारी इनकम्स 15 जून से पहले 15 जून तक हो जाती है फिर तो रिलैक्सेशन का मतलब ही नहीं है। अगर ये इनकम्स 15 जून के बाद हो रही हैं, 15 सितंबर तक हो रही हैं, 15 जून के लिए हम लेंगे 15% ऑफ वाई और 15 सितंबर वगैरह के लिए लेंगे हम एक्स का लेंगे। देखिएगा केस वन, अगर ये इनकम्स आपको 15 जून तक हो जाती है फिर तो कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। अगर 15 जून के बाद होती है, 15 सितंबर तक होती है, तो पहली इंस्टॉलमेंट वाई की निकाली जाएगी, बाकी एक्स की निकाली जाएंगी। अगर ये इनकम्स 15 सितंबर के बाद होती है, 15 दिसंबर से पहले होती हैं, तो पहली तो वाई के हिसाब से फिर एक्स के हिसाब से। अगर ये 15 दिसंबर के बाद होती है, 15 मार्च तक होती हैं, तो पहली 3 इंस्टॉलमेंट वाई के हिसाब से, चौथी एक्स के हिसाब से, पांचवा जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, वो जो बिजनेस वाला, मैं इससे इंस्पायर होकर बनाया था। अगर ये इनकम्स 15 मार्च के बाद हो रही है तो पहले 4 इंटरेस्ट निकालेंगे वाई के हिसाब से हम, और फिर एक महीने का इंटरेस्ट और निकाला जाएगा। जो इनकम 16 मार्च से 31 मार्च तक हुई उस पर टैक्स निकाल लीजिए। जो एडवांस टैक्स पे कर दिया आपने 16 मार्च से 31 मार्च तक वो लेस कर दीजिए। अपना वही वाला लीजिए ना एग्जाम्पल, वही लीजिए ना, मुझे 16 मार्च से 31 मार्च तक कितनी इनकम हो रही थी? 10 लाख। 10 लाख पे कितना टैक्स बन रहा था? 3,12,000। मैंने एडवांस टैक्स कितना पे किया था 16 मार्च से 31 मार्च तक? 60,000। पहली 4 वाई के सबसे, पांचवी 1%, वन मंथ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या हो गया? 3,12। माइनस एडवांस टैक्स पेड फ्रॉम 16 मार्च टू 31 मार्च, ये माइनस माइनस जो आपने एक्सेस एडवांस टैक्स पे किया था 15 मार्च तक, कितना पे किया था उस क्वेश्चन में? 2,00,000। वही अगला आंसर देखिए, तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ले लिया है। क्योंकि जब इन्होंने जिस तरह के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, लास्ट जो एग्जाम में आया है, सबसे हाई लेवल कंसेप्ट से चले गए ये लोग, सबसे हाई लेवल कंसेप्ट से चले गए। कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? मैं तो ये बता रहा हूं कि कुछ भी नहीं छोड़ सकते हम। तो इवन जहां 16 मार्च के बाद इनकम हो रही है वो भी मैंने कवर कर दिया, इस फॉर्मूले से कवर्ड है, और जो पीजीपी का क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेट कर रहा है। सो आपके पास अभी होमवर्क में से वही 3 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस, 3 तो आप कर ही चुके हैं ना क्लास में। एक पेज 245 पे क्वेश्चन 1 कर लीजिएगा, क्वेश्चन 1
थिंक दैट्स इनफ. और क्वेश्चन फाइव, सो क्वेश्चन वन ऑफ फाइव करिएगा प्लीज. दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए थे. क्वेश्चन फाइव वाज आई थिंक कैरिंग 15 मार्क्स. सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप सेल थ्रू कर जाएंगे. ठीक. सो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको चेक करना है कि एओ ने 234 ए बी सी सही निकाला या नहीं, एओ हाथ से ही निकालता है नॉर्मली. जहां असेसमेंट होती है ना, वहां हाथ से निकालता है. आपको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करना हो कि एओ ने 234 ए बी सी कैसे निकाला है, कैसे चेक कर सकते हैं आप, अप्लाई कर दीजिए आईटीएनएस के लिए. इनकम टैक्स नोट्स एंड शीट्स. सो ऑफिशियली एक एप्लीकेशन दे दीजिए, मुझे आईटीएनएस चाहिए 234 एबीसी कंप्यूटेशन की. तो पूरी आपकी जो कंप्यूटेशन की शीट होती है वो आपको फोटोकॉपी करा के दे देगा सर्टिफाई करके, और फिर आप चेक कर सकते हैं कि 234 ए बी सही निकाला गया है या नहीं. आपने रिटर्न नहीं फाइल की, एओ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है 234 सी लगेगा या नहीं. मेरा क्वेश्चन है, असेसमेंट ने रिटर्न नहीं फाइल की, एओ ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया, 10 लाख इनकम निकाल दी, क्या 234 सी लगाएगा एओ या नहीं. टू थर्टी फोर सी लग ही नहीं सकता. 234 सी तो टैक्स ऑन रिटर्न इनकम पे लगता है. जब रिटर्न इनकम है ही नहीं तो 234 सी लग नहीं सकता इस केस में. सो प्लीज देखिए, जो मैं इतना टाइम लगा रहा हूं, मेरे दिमाग में सिर्फ 70 नंबर नहीं है, जो 30 नंबर का सॉलिड एमसीक्यू है, जहां कोई सब्जेक्टिवनेस नहीं है, 100/100 मिलता है, वो है. और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इन्होंने, इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यूज बनाए हैं जो आपको दूंगा मैं, उसमें भी इन्होंने किस तरह से टीडीएस, लॉटरी, एडवांस टैक्स, सरचार्ज, सारे कंसेप्ट मिक्स कर दिए. तो जब आप टीडीएस पढ़ेंगे, जब टीडीएस करा दूंगा आपको, तो टीडीएस मालूम होगा आपको, एडवांस टैक्स मालूम होगा आपको, लॉटरी का बताऊंगा, सरचार्ज आप कर चुके हैं, और एक दो नंबर के एमसीक्यू लिए देखिए, आपकी पूरी जान निकाल ली इंस्टीट्यूट ने. बट अच्छा लगेगा आपको कि यस, मैं अब लिंकेज कर पा रहा हूं. ठीक है, विल स्टॉप हियर.